रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक, ईद मुबारक और ईद मुबारक। टेलीविजन की आवाज हमारे पास जरा तेज हुई भी बंद कर दीजिए। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत 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 ईद मुबारक हो आप सबको। और ये तीन दिन भी और जो पिछले दो चार दिन कुछ और गुजरे, बड़ी दुआ यही है कि खैर आफियत के साथ गुजरे हों। और अगर खबर की बात करें तो जनाब इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो की बात भी करें तो बहुत कुछ हो रहा है। पेट्रोल सस्ता हो चुका है, नासा की तरफ से कुछ नई इमेजेस भी आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं गैलेक्सी में बड़ी प्यारी प्यारी जो हैं वो विजुअल्स के, कहते हैं ना सूरह रहमान में रब ताला ने क्या कहा है ना कि तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो क्या खूबसूरत सुभान अल्लाह तस्वीरें आई हैं, जरूर चेक कीजिएगा। आज दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर वर्ल्ड फ्रेंचाइज डे के फ्रेंच फ्राइज डे के नाम से भी मनाया जाए, तो जाएं अपनी फैमिली के साथ फास्ट फूड के कॉर्नर्स पर जाएं, स्टॉल्स पर जाएं और फ्रेंच फ्राइज खाएं और उन लोगों की भी मदद करें जो इस वक्त जो नौकरियां नहीं हैं और वो इस वक्त जो है ना अपनी रोटी रोजी पर काम कर रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान में इसको कश्मीर के शहीदों के दिन के भी हवाले से इसको मनाया जाता है। अब बात करें जरा पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, बारिशों की जरा कुछ लम्बे बात करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबी और बहुत ज्यादा बातें हैं उस हवाले से। लेकिन हुकूमत ने आलमी मंडी में पेट्रोल कीमतों में कमी का पूरा फायदा अवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना से कि तेल की कीमतों में कमी जो है वो फल भी जो है फौरन जो उन्होंने उसकी समरी जो है तलब कर ली है। साथ साथ शहबाज शरीफ ने इजलास में एक और चीज कहा कि जो मुश्किल टाइम अवाम ने गुजारा है तो फल भी उन्हीं को मिलना चाहिए, और उन्होंने कहा अवाम ने जो मुश्किल वक्त गुजारा है पूरा पूरा रिलीफ भी इन्हीं को मिलेगा। साहब हुकूमत की लाई महंगाई से सताई अवाम के अश्क जो है वो अश्चोई होनी चाहिए। साथ साथ इस पर मजीद बात करते हैं हमारे साथ एज ऑलवेज डॉक्टर शुजात मुबारक हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक डॉक्टर शुजात मुबारक, अस्सलाम वालेकुम शुजात भाई, थोड़ी देर कुछ लम्हों में हमारे साथ होंगे, उनसे बहुत सारे सवालात करने हैं मुझे। एक तो ये कि जनाब ये जो अभी कीमतें सस्ती हो रही हैं इसका रीज़न क्या है, क्या ये इंतखाबात की तरफ बढ़ते हुए लम्हात और कदम और इसलिए अवाम को ज़रा सा मतलब प्यार और ज़रा सा पुचकारा जा रहा है, या क्या सिनेरियो, क्या रियलिटी में कीमतें कम हुई हैं? डॉक्टर शुजात मुबारक हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। शुजात भाई ये जो खबर आई है क्या ये तूफान से आने के पहले की खुशखबरी है, क्या अवाम को पुचकारा जा रहा है, क्या ज़िबा करने से पहले घास खिलाई जा रही है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? जी ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़िबा करने से पहले शायद घास खिलाई जा रही है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए कुछ इस तरह से जो नजर नहीं आता कि हम कोई अवाम को रिलीफ दिया जा सके। और इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल की प्राइसेस पे प्रेशर जरूर है, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिरी कि वो जो उसका जो भी रिलीफ है वो अवाम को आगे ट्रांसफर किया जा सके। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट अवाम को पुचकारने की कोशिश कर रही है, और अगर वाकई रिलीफ देना है तो एक आध महीना 15-20 दिन आप ठहर जाएं, देखें कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कोई डाउनवर्ड ट्रेंड है, उसके बाद ऑयल प्राइसेस को डिक्रीज करें। यानी कि अगर ये टेम्पररी रिलीफ होगा शायद इस हफ्ते अगर वो डिक्रीज करते हैं प्राइसेस तो दोबारा एक आध हफ्ते में इनको रिवाइज करके बढ़ानी पड़ेंगी। यानी कि शुजात भाई अगर 15-20 दिन बाद तक हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन, कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठने वाली बात है, किस कवर जाके बैठता है, क्योंकि पहले तो भी तो इंटरनेशनल मार्केटों में जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी आ रही थी लेकिन यहां पर मुसलसल इजाफा हो रहा था। ऑपोजिशन अगले में पेट्रोल की मतलब ऑब्वियसली किस तरीके से ये इस साइज सिनेरियो को देखा जाएगा? देखिए जो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं जो और उनको नेशनल ऑयल प्राइसेस फॉलो करती हैं, आमतौर पर ये होता है कि पहले इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और उसके नतीजे में एक डेढ़ हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद जो नेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। अब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अभी कम हुई हैं तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को 2-3 हफ्ते देखना चाहिए उनका डाउनवर्ड ट्रेंड आए और उसके बाद फिर प्राइस में को रिड्यूस करें तो वो एक लॉन्ग टर्म और बेहतर रिलीफ होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे बड़ा प्रेशर है, वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हुई है जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड में कमी आई है, एनर्जी डिमांड स्पेशली जो क्रूड ऑयल वगैरह उसकी डिमांड में काफी हद तक रिडक्शन देखने में आ रही है और इससे प्राइसेस आइंदा गिरेंगी, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को देख के करना होगा क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते हतमी तौर पे कि ये प्राइसेस जो गिरी है तो यहीं पे मेंटेन रहेंगी, दोबारा से
भी ये इंक्रीज हो सकती है। तो इसका मतलब है शिराज भाई, वो वाली बात आपने कहा ना कि तूफान से आने पहले की जो खामोशी है, इसका मतलब है आपने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये हमें किसी ना किसी सिचुएशन के हिसाब से इस तरह हमें पुचकारा जा रहा है, क्योंकि अगर मुल्क की माशी सूरत हाल पूछी जाए तो क्या हम उस जगह आ सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कल ही उन्होंने बयान में अपने जलसे में बोला कि अब मुश्किल वक्त से निकल गया है और अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या वाकई ऐसा है? नहीं देखें, मेरा ख्याल ये है कि इतना ये नहीं है, 2022 इसी तरह चलेगा। और इस वक्त आप खुद देखेंगे उस मुल्क में जहाँ पे इंटरेस्ट जो पॉलिसी रेट है वो 15% हो, यानी कि इंटरेस्ट रेट 17% 18% पे अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट कर्जा लेके वो उसको इन्वेस्ट करेगा तो कहाँ से वो कमाएगा? इस लेवल पे इंटरेस्ट रेट हो और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी आपका 20% प्लस हो, इसको इकोनॉमिक्स हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन हो, तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के हालात फौरन से बेहतर होने चले जा रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म मश्क है, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है, और उसके बाद जाके हालात कुछ बेहतर होंगे। तो शायद ये क्योंकि इलेक्शन है आइंदा 2-4 दिनों में, तो उस वजह से मुझे ये लगता है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ज्यादा है क्योंकि ये इकोनॉमिक रियलिटी को इस हद तक रिफ्लेक्ट नहीं करती। इमरान खान साहब भी जैसे कह रहे थे कि 150 तक ऑयल प्राइसेस लेके आए, इसको भी मेरा ख्याल ये है कि मुश्किल है इन गिवन सिनेरियो में, ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात इतने अच्छे नहीं हुए कि आप अवाम को रिलीफ दे सकें। तो इलेक्शन के बाद अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह की आती है तो फिर उनको सीरियसली देखा जा सकता है। इलेक्शन के बाद ये आपने लॉन्ग टर्म का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्या मैं समझना चाह रही हूँ एज ए स्टूडेंट के अभी जो सिचुएशन चल रही है, अगर हम इलेक्शन की डेट से हटा दें जिस तरह हम बैठे हुए हैं, तो क्या हम लॉन्ग टर्म में कितने अरसे में आप देखते हैं 2 से 4 सालों में कि हम कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में आएंगे या उसके बाद? देखिए, जो अगर हमारी माशी पॉलिसी बेहतर रहती है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो कम से कम 2 साल पाकिस्तान की मईशत को चाहिए होंगे। और मैं एक और भी आपको बात बता दूं कि बदकिस्मती से ये साल तो वैसे ही हमारा बुरा गुजर गया, अब अगला साल अगर इलेक्शन ऑन टाइम भी होते हैं तो 2023 इलेक्शन का साल होगा, फिर पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी होगी, 3 गवर्नमेंट्स आएंगी, यानी कि एक जो गवर्नमेंट मौजूदा है वो जाएगी, फिर निगरान गवर्नमेंट आएगी, फिर नई गवर्नमेंट आएगी, तो 3 गवर्नमेंट के तब्दील होने से फिर आपकी इकोनॉमी जो इकोनॉमी के हालात है वो गड़बड़ होंगे। तो मुझे इस तरह से लगता है कि कम से कम आइंदा आने वाले 6-8 महीनों में या एक साल में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक या मौशी बेहतरी की उम्मीद पाकिस्तान में नहीं की जा सकती। अलबत्ता 2024 में डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट वो क्या आती है और जो क्या उनकी पॉलिसी होती है, वो कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं, और साथ में अगर जो बैन अल-अक़वामी सूरत हाल बेहतर होती है तो उसके रिलीफ ज़ाहिर है कि मिलते रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स में आमतौर पर वो एक डेफिनेट पीरियड तो नहीं होता, लेकिन कम से कम जो है वो 1 साल से ज्यादा या 2-3 साल। मशरात भाई, ये वाली बात तो भी तो है ना कि अगर 2023 में इलेक्शन होंगे तो खर्चा तो उसमें भी होगा, तो इकोनॉमी तो उसमें भी अफेक्ट होगी और माशी चैलेंज तो उस वक्त भी आएगा, तो आवाम तो ये पूछेगी इतना पैसा फिर जो इलेक्शन में लग रहा है इससे बेहतर था वो पैसा आवाम की खिदमत में लगाते, ये एक सवाल है आवाम का मेरा ख्याल है कि। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर शिराज मुबारक हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त सिचुएशन आपके ऊपर बात करने के लिए। मशरात भाई ने बड़े चंद अहम इशारे किए, थैंक यू शिराज भाई, गॉड ब्लेस यू, वी विल हैव यू सून इंशाल्लाह ऑन द शो। बट यू सेड कि लॉन्ग टर्म देखा जाएगा, अभी कोई ऐसी माशी हालात नहीं है, अभी जो किया जा रहा है फौरी तौर पे पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए, ताकि जरा सा लोगों का जो है वो सिंपैथी आना शुरू हो जाए। लोगों की सिंपैथी इसके साथ साथ किसी और के साथ नहीं है, अपने साथ है, क्योंकि कराची की बारिशों ने वो हालात किए हैं कि इंसान अपनी हालत पे गलत पे देख कर कहता है या अल्लाह ये क्या हो गया, या अल्लाह ये छट टपक रही है, और ये कोई और नहीं है, मैं खुद गुजरी हूँ इस चीज़ से कि मैं इस वक्त मेरे हाथ पूरे सूजे हुए हैं और जगह जगह जो है वो किसी ने क्या खूब पढ़ा के डूबा कराची बारिश में डूबा DHS से लेके चौक सफूरा, तो ये पूरा हाल है पूरे कराची का और बारिश में डूबा हुआ है, चाहे वो कोई भी इलाका हो, बर्तन रख रहे हैं, पतीलियाँ रख रहे हैं, टब्स रख रहे हैं, कपड़े से कर करके साफ पोछ कर करके निचोड़े हैं, ये हमारी एक्टिविटी रही। लेकिन फिर भी कराची वाले किसी हिम्मत जो है ना कहीं पीछे नहीं, उनकी बहुत हिम्मत वाले हैं कराची। लेकिन बारिशों के इम्कान पर अगर हम इमरजेंसी जिस तरह से बात की ऑन अ सीरियस नोट, किसी की हिदायत पर, वजीर आला सिंध की हिदायत पर क्लिफ्टन समेत दीगर अंडर पासिस से जो बरसाती पानी जो है निकाल दिया गया था, लेकिन सिंध भर में मजीद बारिशों के लिए इम्कान है। जनाब के रेन इमरजेंसी दोबारा जो है वो नाफिज कर दी गई है, बिकॉज कल से
फिर एक इशारा है हमारे जवाद भाई की तरफ से कि जनाब कल से फिर जो है एक स्पेल आ रहा है, और ये स्पेल सर उन्होंने पहले भी कहा था, जरा सा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करते रहूं। कराची में हालिया स्पेल में सबसे ज्यादा बारिशें डिफेंस फेस टू में जनाब रिकॉर्ड की गई, जहां 342.4 मिलीलीटर बारिश हुई, और पीएफ मसरूर में बेस पर 324.6 और फैसल बेस पर 280.6 मिलीलीटर जनाब मीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वक्त ये हाल है, अगर एक दिन की बारिश से ये हाल हुआ है तो सितंबर तक ये बारिशें शहर कराची कैसे बर्दाश्त करेगा। वेदरमैन जवाद मेमन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो जवाद भाई, ये जो आपने हमेशा आप माशाल्लाह करते ही हैं और वो इशारे अल्लाह के हुक्म से अच्छे ही होते हैं, सही होते हैं, बेहतरी के लिए होते हैं, बट देन अगेन कराची में कितनी बारिशें हुई जरा इस पर आ जाते हैं, और अब हम जो कल से सिस्टम कराची में दाखिल हो रहा है उसे भी बात करते हैं। जी भाई, देखें सबसे पहले तो जो अभी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए ऑफिशियली, या सबसे ज्यादा बारिश जो है वो हमने डीएचए के रीजन में देखी, डीएचए क्लिफ्टन यहाँ पर, और वाकई में जो ग्राउंड कंडीशन है उस हिसाब से तो इंतहाई हैवी स्पेल था ये। और अगर बात की जाए हम जिस तरह मेरे अपने पर्सनल वेदर स्टेशन पे क्लिफ्टन में तकरीबन जो लास्ट स्पेल गुजरा है जो तकरीबन 10-11 घंटे चला, वहाँ पर मेरे पास तकरीबन 187 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई। साथ ही साथ हमारा केमाड़ी के ऊपर जो है वो हमारा एक वेदर स्टेशन लगा हुआ है पिछले 1.5 साल से, तो उस स्पेल में अगर देखा जाए जो लास्ट स्पेल जो कराची में जो इंटेंस स्पेल था वो हमारे पास 285.5 मिलीमीटर सिर्फ उस स्पेल में जो रिकॉर्ड हुई है, जो ये 10-12 घंटे का स्पेल था। या अल्लाह, तो मतलब इतनी शदीद बारिश हुई है, और फिर ग्राउंड कंडीशंस भी हमने देखी कि उसी हिसाब से जो है वो एक अजीब ही सूरत हाल थी, और अभी भी जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इससे रिकवर कर ही रहे। तो अब अगेन आज दोपहर या शाम से जो है वो एक और मानसून का सिस्टम जो है आज से ही, जो थर्सडे से आज से ही शुरू है सिंध में जो है वो इसके आज से इफेक्ट्स आना हल्के फुल्के शुरू हो जाएंगे। और स्पेसिफिकली अगर कराची की बात करें तो 14 तारीख की दोपहर या शाम से इसके हल्के इफेक्ट्स आना शुरू होंगे। अच्छा, बाकी कराची के लिए मेजर डेज जो है वो 15-16 और मैक्सिमम अगर ये सिस्टम कराची के लिए खींचता है तो 17 तारीख तक होगा, यानी कि 17 संडे तक, यानी कि सिस्टम नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद ब्रेक आ रही है या उसके बिल्कुल ही फौरन बाद जो है वो दूसरा कोई सिस्टम आ रहा है? देखें ये आपका अच्छा सवाल है, फिलहाल अगर ब्रेक आया तो 2-3 दिन का आएगा, क्योंकि उसके बाद 20-21 तारीख के आसपास जो है वो एक और सिस्टम आता हुआ नजर आ रहा है, अगेन इसी ट्रैक पे होगा, सिंध की तरफ होगा, लेकिन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है तो उसमें 1-2 दिन आपको पता है कि मार्जिन होता है एरर का, तो उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें देखते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो स्पेल आ रहा है कराची के लिए मेजर डेज जो है वो 15-16 है, 15 और 16 है, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी ऑब्जर्वेशन माशाल्लाह माय टीम में एवरीबॉडी इज, आपको पता है कि आप सबसे ज्यादा बहुत पहले से काम करें, वी ऑल आर एक्चुअली वरिड बिकॉज हम सबके घरों में वो हम आम लोग हैं, हम वही परेशानी जो सबने फेस की है। हम ये सोच रहे हैं कि जो 2020 में तो जो हुई थी बारिशें वो सब बहुत डर गए थे उस बारिशों के हवाले से, तो क्या जवाब भाई कहीं ना कहीं वो डर हमें अभी भी आ रहा है, लग रहा है कि कहीं उस जैसी तो नहीं बारिशें होंगी? देखिए माया, ये जो पिछला स्पेल किया है ये भी कुछ उस स्पेल से कोई कम नहीं था। तो बारिश आई जा, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यूसली लगातार 10-12 घंटे जो बारिश है और रुकी नहीं है, हल्की नॉर्मल और फिर अचानक से जो है वो तेज स्पेल चलता था, 25-30 मिनट आधा घंटा चलता था, तो कह सकते हैं कि 80-85% तो उसी टाइप की ही सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी। मैं छत पर थी और प्लास्टिक डाल रही थी और फ्लेक्स डाल रही थी, क्योंकि पानी जगह ऐसी ऐसी जगहों से पानी आ रहा है घरों में छतों से कि इंसान सोच भी नहीं सकते ये कहाँ से आ रहा है पानी। बिल्कुल ऐसा ही है, बाकी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स से भी कंपेयर करें तो वो भी कुछ हद तक उसी तरीके से दिखा रहे होते हैं, सिमिलैरिटी है। अब आने वाला जो स्पेल है ये भी स्ट्रॉन्ग है, 15 और 16 में जो है वो बारिशें जो है वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है, लेकिन इसमें इस सिस्टम में एक फीचर इसका ये होगा कि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बहर अरब के ऊपर होगा, तो समंदर के ऊपर जो ज़्यादा जो मेजर जोर होगा वो समंदर के ऊपर होगा, लेकिन देन अगेन हम समंदर से काफ़ी करीब हैं, करीब है। इसके जो आउटर बैंड्स के जो इफ़ेक्ट्स होंगे इस सिस्टम के वो तकरीबन सेंट्रल सिंध या आप समझे कि हैदराबाद, हैदराबाद से थोड़ा सा ऊपर तक जो है इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, तो हम फिर इसके अंदर कराची, ठट्टा, बदीन, केटी बंदर ये सारे एरियाज जो है वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं, लेकिन अगेन इसका जो मेजर हिस्सा है वो बहरा अरब के ऊपर होगा, तो होपफुली हो सकता है कि इसमें लास्ट मिनट इसके ट्रैक में कुछ चेंजेस आए तो बारिश की इंटेंसिटी जो है वो कम ज़्यादा हो जाए,
मैं समझ ही नहीं आ रहा, लोग आपकी बात काट रही हूँ, लोग प्रिपेयर कितनी भी कोशिश कर लें, इतनी पानी इतना पानी के लिए कभी भी प्रिपेयर नहीं हो सकते. इमरजेंसीज, लोगों का अस्पताल जाना, बीमारों का घर वापस आना सेहतियाब होकर, कोई भी चीज ना इस वक्त पॉसिबल नहीं. तो कितने लोग थे जो मुश्किलों में रुके हुए थे, रेस्क्यू टीम्स लगी हुई थी. अब ये जुलाई तो चले ठीक है, आपने बताया जवाद भाई नजर आ रहे, देखें 17 तक तो वैसे ही आधे से ज्यादा जुलाई हो जाएगा, जुलाई चले और स्पेल आएगा. आपने पहले कहा था सितंबर तक जाएंगी ये बारिशें, क्या हम अगस्त में भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए नॉर्मली सीजन यही होता है कि मिड ऑफ सितंबर तक चलता है. जुलाई में अभी अगर हम आज से बात करें एंड ऑफ जुलाई तक, तो एटलीस्ट एक से दो स्पेल और हैं इसी महीने मॉनसून के. उसके बाद अगस्त के फर्स्ट वीक में भी जो है वो एक आधा स्पेल है. उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगस्त के जब हम एक हफ्ते बाद गुजरते हैं या 8-10 अगस्त के आसपास, मिड ऑफ अगस्त तक हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक मानसून पीरियड आए. लेकिन अगेन अगस्त का जो लेटर हाफ होगा और सितंबर में होगा उसमें भी जो है वो बारिशों की शिद्दत थोड़ी बहुत इसी तरह मिलती जुलती रहेगी. लेकिन अगर ओवरऑल सीजन की बात की जाए तो मानसून का ये जो फर्स्ट हाफ था ये पहले ही हमने प्रेडिक्ट किया था कि इसमें जो है वो बारिशों का जो है मैक्सिमम जो है वो रहेगा. बिल्कुल सही है. अब हम दो सवाल मुख्तसर आप एक साथ मिलकर जवाब दे दीजिएगा. एक तो ये कि ये तो सब बात हो गई कराची की, अब हम पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन की बात कर लें, क्योंकि बलोचिस्तान की बात करें तो बहुत नुकसान हुआ है वहां पर, तकलीफ दे मनाजर हमने देखे. दूसरा सवाल यह कि एक स्पेल से दूसरे स्पेल के बीच में 2-3 दिन का वक्फा होना शायद लोगों को एक सांस लेने का मौका देता है कि जरा कुछ कपड़े सुखा लें, कुछ सामान देख लें, कहां कहां से पानी आ रहा था वहां पे कुछ प्लास्टिक डाल लें, क्योंकि कुछ भी लेपा लगाना तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन इंतजाम लोग फिर भी करना चाहें, कुछ खाने की अशिया जो बेसिक्स हैं वो घर में ला के रखना, क्योंकि कहीं कुछ मिल नहीं रहा, लोग पहुंच नहीं पा रहे. तो एक तो ये गैप्स कितने कितने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, और दूसरा ये कि पूरे पाकिस्तान की क्या सिचुएशन? देखिए पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इस वक्त पंजाब रीजन में जो है वो काफी हैवी रेनफॉल हो रही है. इस्लामाबाद, रावलपिंडी रीजन, गुजरांवाला रीजन में जो है आज सुबह से ही, अर्ली मॉर्निंग से ही जो है काफी हैवी रेनफॉल स्टार्ट है. ये जो सिस्टम आ रहा है ये इसके अर्ली इफेक्ट्स आ रहे हैं, और ये जब पाकिस्तान में दाखिल होगा तो तकरीबन 70-80% पाकिस्तान को जो है यकसा इफेक्ट कर रहा होगा ये. लेकिन फिर जब अगेन इसका जब हिस्सा बहर अरब की तरफ जाएगा तो फिर इसके इफेक्ट्स जो है वो दोबारा लोअर सिंध की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हम कराची वाली सारे साहली पट्टी जो हमारी आती है बलोचिस्तान. अच्छा फिर ये सिस्टम जो है वो 16 के बाद 17 तारीख से जो इसका जो और 18-19 तारीख तक जो है इसका जोर फिर ज्यादा बलूचिस्तान की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आगे जाएगा ईरान ओमान की तरफ. तो ये सारा जो है जो सिंध के ऊपर ये 14 तारीख से जो बारिशें शुरू होंगी ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होती हुई 17-18-19 तारीख तक जो है ये बलूचिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी. रही बात पंजाब और केपीके की, तो इस अभी जो है अगले 2-3 दिन जो है इन एरियाज में काफी हैवी रेनफॉल देखने में आएगी. केपीके रीजन में भी देखने में आएगी, पंजाब रीजन में भी देखने में आएगी. फिर जब ये सिस्टम मजीद हमारे करीब आ जाएगा तो फिर इसका जोर जो है वो सदर्न पाकिस्तान की तरफ ज्यादा आ जाएगा. अच्छा रही बात आपके गैप्स वाला जो क्वेश्चन था, देखें अभी जितने भी सिस्टम नज़र आ रहे हैं बैक टू बैक एटलीस्ट जुलाई के अंदर वो इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं कि एक सिस्टम आएगा उसके बाद 3-4 दिन का गैप नज़र आ जाएगा हमें. लॉन्ग रेंज है इसमें, एक आध दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से रहेगा कि 3-4 दिन का हमारे पास गैप आएगा, फिर दूसरा सिस्टम आएगा, फिर गैप आएगा, फिर उसके बाद एक और सिस्टम. जब भाई ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बड़ी बात होती है, ऑब्वियसली अब हम स्कूल में थे जब से सुन रहे थे ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग, और अब वाकई में वो चेंजेस देखने में आ रही है. हमने कभी इतनी बारिशें नहीं देखी ना कभी सुनी कुछ भी, तो क्या ये तमाम चीजें इस तरीके से मौसम इतना बदल रहा है, इतनी तवील दौराने की घंटों 11-11 घंटे की बारिश होना हमने तो कभी देखा ही नहीं था, हम तो समझ ही नहीं सकते थे बारिश या इतना पानी आ कर रहा है, क्या इससे फायदा होगा हमारी? ऑब्वियसली हमारी जो कमियां हो गई हैं हमारे नहरों में, हमारे समंदरों में, हमारे दरियाओं में, और दूसरा ये क्या ये उसी का नतीजा है? देखिए बिल्कुल ऑब्वियसली उसी का ही नतीजा है. पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं, अगर पिछले 6-7 साल के बारे में बात करूं आपसे तो हमारे पास 2016 में अबव नॉर्मल सीजन था. ठीक है कराची कराची के हवाले से अगर बात करूँ, 2018 में इंतहाई शदीद ड्राउट, हार्डली 2-3 मिलीमीटर बारिश हुई 2018 में, आप यकीन करें बिल्कुल. उसके बाद अगेन अगले साल ही 2019 में हाईली अबव नॉर्मल, फिर 2020 तो कराची वाले भूल ही नहीं सकते हम, 2021 भी अबव नॉर्मल, और अब आज अगर हम 13 जुलाई की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल मानसून सीजन शुरू होता है 15 जुलाई से 15 सितंबर, लेकिन
आज हम 13 जुलाई को कराची इस वक्त इतनी बारिश देख चुका है जो ओवरऑल सीजन का एवरेज से ज्यादा बारिश ऑलरेडी exactly, देख चुका है, रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अभी तो हमारे पास पूरा सीजन अभी बाकी है। अभी तो हम वार्म अप भी नहीं हुए। हाँ। अभी तो प्री मॉनसून आप कह रहे थे कि प्री मॉनसून चल रहा है, प्री मॉनसून में हमारा काम पूरा हो गया। ये बेसिकली ये तो मॉनसून आ चुका, मॉनसून अपने वक्त से 15 से 17 दिन पहले ही पाकिस्तान में आ चुका, ये बेसिकली कोर मॉनसून सीजन है, लेकिन नॉर्मल वक्त से पहले सीजन आना शुरू हो गए। फिर बहर अरब इस वक्त हाइपर एक्टिव है, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि सी सरफेस टेम्परेचर इंतहाई ज्यादा है, यही वजह है कि जब भी कोई लो प्रेशर सिस्टम इस तरफ आता है तो वो इतनी तेजी से ताकत पकड़ता है क्योंकि बहर अरब से इतनी ज्यादा सपोर्ट होता है और यही पिछले स्पेल में भी हमने देखा कि इस चीज की इतनी हैवी रेंज की प्रेडिक्शन नहीं थी लेकिन ये बहुत रैपिडली चेंजेस आई हैं जिसे वो मॉडल्स जिसे जो फोरकास्टर्स हैं वो उसे उस नौयत से नहीं देख पाए जिस तेजी से वो जो है वो चेंजेस आई हैं। जितनी जल्दी वो तुगयानी पकड़ रहा है, जितनी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि मॉनसून सीजन जो मॉनसून जो हवाएं हैं वो बलोचिस्तान के उन इलाकों तक जारी हैं जो कभी मॉनसून के बेल्ट में आते ही नहीं थे। इवन के ये जो अभी सिस्टम जो जितने भी गुजरे हैं ये इवन अफगानिस्तान ईरान ओमान ये मॉनसून के बेल्ट की जगहें नहीं है, यहाँ मॉनसून सीजन नहीं आता है, बलोचिस्तान के कुछ इलाकों तक कवर करके मॉनसून खत्म हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इवन कुछ सिस्टम तो लास्ट टाइम सऊदी अरब की तरफ भी निकल गए थे वो मॉनसून की हवाएं जो है, तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज है और अब जो लोग इसे नहीं मानते थे जिन लोगों को समझ में नहीं आती दिस इज द रियलिटी, ये आपके सामने है कि हर सीजन एक्सट्रीम होता चला जा रहा है। देखने वालों को बता दूं कि हमारे जो वेदरमैन जवाद भाई हैं पिछले 3 रातों से कंसेक्यूटिवली जाग रहे हैं, यानी कि मुसलसल जाग रहे हैं, उनकी आंखें बता सकती हैं और एक एक पल पल की खबर रखना ये एक सदका जारिया है जो आप कर रहे हैं, जो सवाब कमाए हैं जवाद भाई, थैंक यू सो मच। सीरियसली हम सब शहरी आपके लिए, पूरे पाकिस्तान आपके लिए जो है वो शुक्रगुजार हैं आपके और आपकी को बहुत सारा आते हैं ना, आप प्लीज थोड़ा सा रेस्ट कर लें क्योंकि कल से जो नया सिस्टम आ रहा है उस पर हम आप ही को तंग करेंगे ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जवाद भाई, गॉड ब्लेस यू। वेदरमैन जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद, बताया कि जनाब आज शाम से बादल आना शुरू हो जाएंगे कराची शहर में, आप जरा थोड़ी सी तैयारी पकड़ लीजिए, कुछ आटा दाल चावल ले लीजिए रखकर और मोमबत्ती भी अगर चाहिए हो तो वो भी, क्योंकि जाहिर बाथरूम वगैरह में अंधेरा होता है। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ, वी विल बी राइट बैक। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में हमारे साथ करने का बेहद शुक्रिया, आप बराह रास्त में देखें 92 पर। और अब जो बात हो रही है वो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है जो मेरे आपकी जिंदगी से भी रिलेटेड है, कराची में बारिशें, बारिशों के बाद होने वाले हालात, पैदा होने वाली सिचुएशन, बकरीद कुर्बानी अलग हो रही है, ताफून उठ रहा है जगह जगहों से, पानी भरा हुआ है, जिंदगी मुअत्तल है, लोग तकलीफों का शिकार हैं, जिनको वोट देते हैं उनसे उम्मीदें बांधते हैं, तो क्या आवाम का उनसे उम्मीदें लगाना, जिनको लिए जाकर वोट दिया, जिन पर भरोसा किया, क्या वो गलत है या क्या कोई और भी तस्वीर का रुख है जो अब तक हमें पता नहीं है? क्योंकि देखिए हर एक को अपना मौकफ बयान करने का पूरा मौका देना चाहिए। कराची की बारिशों और इंतजामिया की गफलत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा और इन्हें आलमगीर खान साहब ने, अस्सलाम वालेकुम आलमगीर, एक दफा फिर हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में और ईद मुबारक भी और बारिशें भी मुबारक ही हों, अल्लाह करे। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप देखें किस तरीके से आप खुद भी शहर की जो है सफाई सुथराई में जो है वो मसरूफ नजर आ रहे हैं, देखा हमने पिछले अरसे में भी है, आपने पास्ट में भी यही नजर आया, इन बारिशों में कराची का क्या हाल हुआ आलमगीर साहब? देखे बड़ा बदकिस्मत अलविया है कि बारिशों में कराची डूब गया और साथ चूंकि ईद थी, कुर्बानी थी, कुर्बानी के बायस जो भी जो गंदगी वगैरह पैदा होती उसकी सफाई भी नहीं की गई, आलाइशें वगैरह सब सड़कों पर मौजूद थी या वो किसी कचरा कुंडी में, ग्राउंड्स में जगह जगह मौजूद थी और ऊपर से ये बारिश हुई और वो सारी गलाजत जो है वो बारिश में सड़कों पर तैरते हुए नजर आई
और इसके साथ देखिए बारिश कोई पहली बार नहीं हो रही, ये कोई कोरोना नहीं है कि दुनिया में पहली बार आया, इस पर रिसर्च हो रही है कि कैसे निपटा जाए, हुकूमत बैठे कि कैसे निपटा जाए। हर साल का यही रोना है कि बारिशें आ रही हैं और मॉनसून में इलाके डूब रहे, लोगों की प्रॉपर्टीज जो है वो मुतासिर हो रही है, लोग नकल मकानी कर रहे, बच्चे डूब रहे, लोगों को करंट लग रहा है, हर साल का यही रोना है। और हर साल हमें चीफ मिनिस्टर और इनका अमला जो है वो कई कोई बयान देते हुए नजर आता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आता, और एक ही रट्टा लगाया होता कि इस साल बारिश ज्यादा हुई, ज्यादा पानी आया। ओ भाई, क्या पहले से नहीं पता था आपको? क्या पूरा साल तैयारी नहीं की जा सकती थी इसके लिए? जब आपके इदारे यहाँ मौजूद है, आपने सफाई का ठेका एक चाइनीज कंपनी को दिया हुआ है शहर का, तो नालों पर कचरा क्यों आता कि नाले चौक हो जाते? नालों पर तजावुजात क्यों की जाती है अगर आपके इदारे मौजूद हैं? तमाम तर नाले इस शहर के चौक रहते, सीवरेज का कोई निजाम नहीं यहाँ पे, या सीवरेज जो बारिशी नाले होते उनको सीवरेज के पर्पस के लिए यूज किया जाता जो दुनिया में कहीं नहीं होता, और सीवरेज के नालों को बारिश के पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाता, ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता। कोई इदारा अपना काम नहीं करता और आखिर में कराची वाला सफर करता। ठीक हो गया, लेकिन ऑब्वियसली हम सफर कर रहे हैं, और अगर दो सवाल, एक ही सवाल के दो रुख आलमगीर साहब, वो ये कि क्या कराची के शहरी जो है वो प्रिपेयर नहीं थे, या शहरे कराची की हुकूमत प्रिपेयर नहीं थी? देखिए, एक तो कराची के शहरी तो अब इसके आदी हो गए, वो तो अब बारिश में वो हर माहौल में एडजस्ट होना सीख लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ जो हुकूमत है, ये हुकूमतों का काम है, अगर इदारे मौजूद है तो क्या कर रहे इदारे? अगर आपका ये डिजास्टर सेल मौजूद है, अगर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मौजूद है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद है, चीफ मिनिस्टर मौजूद है, क्या किया है इन्होंने? क्यों प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं की जाती? नालों की बरवक्त सफाई होना, नालों को आपने उसको चौड़ा करना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है शहर में, तो क्या कोई एक चीज बताए जो इसके लिए इन्होंने अमल में लाए हो ये लोग बारिश से पहले? और फिर जिस दिन बारिश होती है उस दिन रेनकोट पहन के, लॉन्ग बूट पहन के सड़क पर नजर आएंगे। भाई, अब क्या फायदा? आपको इस साल पहले, छह महीने पहले इसकी तैयारी करनी थी, और अब कोई फायदा नहीं इन चीजों का। दूसरा ये कि ये, और ये वो हुकूमत है जो 14 साल से या 15 साल से इस सूबे में, और कराची वालों को मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस बारिश में जलीलो ख्वार होने के बाद भी अगर किसी कराची वाले ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो अगली बारिश में वो डूब के मर जाए। अच्छा, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ सिचुएशन इस वक्त वाकई में, क्योंकि हम उन्हीं शहरियों में से हैं जिनकी घरों में भी पानी आया है, हमने बाल्टियाँ भी रखी हैं, हमने फ्लेक्सेस जो हमारे घरों में रखे हुए थे हमने जा के जगहों पर डालें ताकि वहाँ पर अंदर पानी ना आए। ये सब मैं अपने घर की ज़ाती सिचुएशन आपसे बता रही हूँ, लेकिन जो अब नया स्पेल आ रहा है आलमगीर साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले वेदरमैन हमें बता कर गए जवाब मेमन कि कल का जो स्पेल है वो 17-18 तक रहेगा, तो क्या उस हवाले से गवर्नमेंट किसी तरीके से भी कोई भी तैयारी के लिए है प्लान उनका कोई, या कोई प्लान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो बारिशें सितंबर तक फोरकास्टेड हैं? जी आलमगीर साहब, देखिए, मेरी नजर में अब टाइम निकल चुका है, अब वो ही है कि बस मौके पे जो किया जा सकता है वो किया जा सके, जो मौके पर हो सकता है, बाकी तो अब ये क्या नए नाले बनाएंगे इस वक्त? ये क्या उन नालों की अब क्या सफाई करेंगे उसमें? तो पुराने नाले नहीं पता किधर हैं, अब तो ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो गया। नाले पर तजावुजात हो चुके, उसमें बिल्डिंग्स बन चुकी है, घर बन चुके, हुकूमत की निगरानी में बन चुके, उसमें अपार्टमेंट सोसाइटीज प्रोजेक्ट्स बन चुके, तो मैं सिर्फ ये कहूँ इन्होंने अब कोई फायदा नहीं, अब यही है कि जो लोगों को मरहम लगाया जा सकता है मौके पे वो करें, बाकी अब इससे आप नहीं निपट सकते।
तो ये पूरे साल की आपकी एक्सरसाइज होती है कि आप साल पहले इसकी तैयारी करें, और लेकिन बड़ा बदकिस्मत अलमिया है कि इधर तवज्जो ही नहीं है। और तो आलमगीर साहब, अब हम क्या करें, क्या बोलूं, शहरी कराची के हम क्या करें, हम तो क्या मतलब देखें तमाशा अपने आंखों के सामने, अपने शहर का, अपने घरों का, अपने गलियों का, अपने गेटों पर, अपने लोगों की पानी की टंकी में जो है वो जो जिसमें नहाते हैं, वजू करते हैं, वो उस पानी में सड़क का गंदा पानी शामिल हो जाता है। शहर कराची के लोग अब क्या करें? मैं सिर्फ ये कहूँगा, एक सियासी राइट है लोगों के पास, 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शंस है कराची में, जो माजी की बल्दियाती और सूबाई हुकूमतों का हिस्सा रही जमातें, इनको मुस्तरद करें, वो चाहे जो माजी की शहरी हुकूमत बल्दियाती हुकूमत में थी या सूबाई हुकूमत में थे, इनको निकाल फेंके यहाँ से। अगर अभी भी ये लोग आ गए तो फिर मैं समझूंगा कि ये कराची वाले खुद चाहते हैं इन्हीं हालात में रहना। अगर आप नई जमातों को, नए लोगों को लेकर आए जो इस शहर में कुछ नया कर सके, ये 30 साल घिसी पिटी जमातों ने जो किया है शहर के साथ, इनको मुस्तरद किया जाए। तो मेरी तो यही कराची वालों से रिक्वेस्ट है, ताकि नए लोग आए, नए उनको वो इख्तियार के लिए लड़े, ये ना हो कि इख्तियार का बहाना करके अय्याशियां कर रहे हो। तो लिहाजा मैं तो यही समझता हूँ, लेकिन आलमगीर साहब, बहुत सी आवाम मैं जानती हूँ, बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिन लोगों ने ऑब्वियसली आप लोगों पे बहुत भरोसा भी दिखाया, बहुत वोट दिए, इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट मिली इस शहर से, आप लोगों को भी, सबको मिली, तो क्या अब आवाम किस से उम्मीद लगाए, क्या करे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस, ऐसा ना हो कि कहीं बल्दियाती इलेक्शन के बाद जो है फिर ये कहा जाए कि जी उसे इस सिंध हुकूमत ने हमें इख्तियारात नहीं दिए, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए फिर जो हम पहले भी पास्ट में सुन चुके हैं। देखिए, ये तो फैक्ट है कि जब तक सिंध हुकूमत ऊपर पीपल्स पार्टी बैठी है तो शहरी हुकूमत के लिए काम करना आसान नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि पीछे से फंड्स, वसाइल वो सब उन्होंने देने, कानून उन्होंने बनाना है इनके लिए। लेकिन एक ऐसी जमात जिसको, जो वफाक में भी बैठी हुई हो और उसकी शहरी हुकूमत हो, तो उसके लिए एक ये आसानी है कि वफाक से उसको सपोर्ट मिल सकती है, नंबर एक। नंबर दो ये कि तहरीक इंसाफ के पास अभी तक कोई शहरी हुकूमत यहाँ की नहीं थी, हमारे पास इदारे नहीं थे, हम वफाक में मौजूद थे लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबा हमें यहाँ काम नहीं करने देता था। और उसकी बड़ी मिसाल यह है कि हमें जब हम नाले साफ करने आए तो इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, फिर फौज को आना पड़ा, FWO ने उसको संभाला, इंटरवीन किया, उन्होंने सफाई का जिम्मा अपने सर लिया। तो मकसद सिर्फ यह है कि एक ऐसी जमात जो जिसके पीछे वफाकी हुकूमत की सपोर्ट हो तो वो बेहतर काम कर सकेगी 18वीं तरमीम होने के बावजूद। सही हो गया, थैंक यू सो मच आलमगीर साहब, आपका मौकफ हमारे आ गया, आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ आवाम को बता दिया है कि जनाब अगर वो ये चूज करती है तो फिर ये फेस करेगी, और फिर वो कुछ और चूज करती है तो कुछ और उसके नसीब बेहतर हो सकता है, लेकिन सिचुएशन वही वाली। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन कराची वाले फिर भी क्या करेंगे, अब नए नाले तो हम निकाल नहीं सकते, अपने घरों से जो पानी आ रहा है वो आ रहा है, अपने गलियों में जो पानी साफ में गटर का पानी शामिल हो रहा है वो हो रहा है, स्मेल जो फैल रही है वो फैल रही है, तो फिर क्या करें? सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा। तमाम चीज़ों के साथ खुशियां भी मनानी चाहिए, और अगर हम खुशियां मनाने में ज़्यादा अगर लग जाएंगे तो गम की अपनी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान में मैं आपके साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमें बराह रास्त जो देख रहे हैं, अब आपको लेके जाएंगे कुछ कहीं दूर जो है रंगों से भरपूर,
और वो जगह है सिंदूर। तो जनाब सिंदूर फेस्टिवल अगर हम बात करें तो गिलगित और चित्राल के बीच में एक बॉर्डर है। उस बॉर्डर पर रहने वाला एक ऐसा शख्स है जो साल के 12 महीने में सिर्फ 2 महीने के लिए नीचे उतरता है, बाकी 10 महीने वो वहां पर रहता है। उसकी वजह क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ वहां पर रहना आसान नहीं है। वहां पर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है और जब बर्फ पड़ रही हो तो वहां पर किसी का भी रहना बहुत इम्पॉसिबल है। और ये इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल करके दिखाता है ये इंसान जो वहां पर आने जाने वाले लोगों को बॉर्डर पर चाय सर्व करता है। सुनने में आया है कि 17 लोगों की अब तक जान भी बचा चुका है, लेकिन वो शख्स है कौन, वो क्यों रहता है, जब चाय देता है तो लोगों के साथ उसकी क्या उनसियत हो जाती है, कौन पहुंचा सिंदूर इतनी दूर, हमारे भाई जिंदगी से भरपूर शाजेब पहुंच गए वहां पर उससे बात करने के लिए, ये जानने के लिए कि भाई यहां पर क्यों रहते हो, आने जाने वाले लोगों को चाय क्यों देते हो, 17 लोगों की तो जान बचाई है उससे क्या महसूस होता है। और एक हाथ भी इसी तमाम खिदमत करते करते वो हाथ भी उनसे अलग हो गया, यानी कि उनका हाथ भी टूट गया। ये इंसान है कौन, ये इंसान क्यों रहता है, ये इंसान क्या चाहता है जिंदगी से, और 2 महीने सिर्फ रहता है नीचे आकर, बाकी 10 महीने उस ठंड में जहां पर लोग 50,000 का फेस्टिवल मनाते हैं और वहां पर ज्यादातर लोग रुक नहीं पाते बिकॉज ऑक्सीजन की कमी होती आती है वहां पर बहुत सारे, हमारी टीम के भी लोग वहां गए थे पिछले दिनों, लेकिन आपकी मुलाकात शाहजेब भाई करवा रहे हैं जनाब इस ऐसे शख्स से जिंदगी से है भरपूर। मोहम्मद अली, वैसे जब हम नाम सुनते हैं तो हमें पता है मोहम्मद अली एक हीरो का नाम है, लेकिन वो अकेले हीरो नहीं है, मोहम्मद अली और भी बहुत सारे हीरोज़ हैं। एक और मोहम्मद अली से मेरी मुलाकात हुई तो मेरा दिल किया कि मैं इनकी कहानी आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं जब इनसे बात कर रहा था तो हमें जब इनकी कहानी पता लगी तो हमें ये भी पता लगा कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान बचाई, क्योंकि जहाँ यहाँ सर्दी होती है तो शदीद सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ती है, जब गर्मी होती है तो शदीद गर्मी होती है, वो आप लोगों ने देखी पोलो फेस्टिवल के दौरान। मोहम्मद अली से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है। क्या करते हैं यहाँ सर? मेरे ये होटल का काम करता हूँ। चाय का होटल है? चाय का होटल है, खाने का है। लोग आते हैं आपके पास खाना खाते हैं? सर इस वक्त तो रश है सर, अभी पूरा फेस्टिवल है तो बहुत से लोग यहाँ हैं, ये लोग फिर चले जाएगा ग्राउंड पे तो कोई यहाँ नहीं रहते, एक सारे सपोर्ट वाले रहते, एक मैं यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ इतना सर्दी होते है सर, बहुत बर्फबारी होते है, चलना भी मुश्किल होते है, अंधेरा होते है, तो मौसम बहुत ख़राब होते, बहुत मुश्किल होते हम लोगों की, सर्दी में बर्फ में 7 फुट बर्फ हो गया तो हम लोग कैसे जा सकेगा, नहीं हो सकते। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मोहम्मद अली, कि यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तो ये तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बड़ी शदीद सर्दी होती है, तो आप गुजारा कैसे करते हैं यहाँ पर अपना खाने पीने का और अपने रहने का? अल्लाह का शुक्र है सर, मेरे साथ अल्लाह पाक मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें वो हम काम करता हूँ, इंसान कुछ भी नहीं कर सकेगा, हम एक हाथ से काम करते हैं सर, दुनिया को आप एक हाथ से काम करते हैं, दूसरे बाजू वो क्या हुआ, पत्थर लग गया, टूट गया था मजदूरी करते हुए। कब? ये कोई बहुत अरसे की बात है सर, 30-35 साल हो गए। और एक बाजू से आप काम करते हैं, होटल चलाते हैं, यहाँ रहते हैं? काम करता हूँ हम, रात को जाके लोगों को बचत करता हूँ, इधर रात को उधर आके फंस जाते हैं, फिर रोने की आवाज़ आते हैं तो हम अकेला ही चले जाता हूँ एक गेट लेके। ये आप बर्फबारी की बात कर रहे हैं कि बर्फबारी में लोग जो यहाँ पर आते हैं वो फंस जाते हैं, आप उनको बचाने जाते हैं? हम जाता हूँ, हम कई बार रात 2 बजे वहाँ से जाके उठा के लाए। वो जो लोग फंसे थे उनकी तादाद कितनी थी और आप वहाँ तक पहुँचे कैसे? सर वो कोई 18 बंदा था और आप अकेले थे? मैं अकेला था, वो 18 बंदा था, वो आ रहा था, वो 2 दिन एक जगह में फंस गया, 2 दिन के बाद 1 घंटे की जगह में वो 12 घंटे में आ गया, तो उधर फंस गया, बर्फबारी हो रहा था रात को, उसके ऊपर बर्फ था तो सारा बर्फ जम चुका था, पैर भी हाथ करके आ रहा था, चारों हाथ इंसान की तरह नहीं चलता था ना, वो कोई जानवर आ रहा है ना, इधर इधर बर्फ है सारा, पहचाना नहीं जाता था इंसान, डरता था उनको देख के। तो आप एक तो कितने फासले पर थे वो लोग और आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? फिर ये छत जो है काट रहा था तो मुझे रोने की आवाज़ आ गया, तो हम बेलचा ऊपर छोड़ के नीचे आया, पालून मालून पहन गया, हम गया सीधा पोस्ट में। अच्छा, 6:30 बजे हम ज्ञान पोस्ट
में जाके सुबहदार को बताया सर उधर कोई रोता है आप मदद के लिए आ जाओ। हम वापस यहाँ आने को हमारा 10 बज गया, 6:30 बजे गए, 4 घंटे लग गए, 4 घंटे इधर हमारा लग गया, 4 घंटे तक वो लोग फंसे रहे, वो तो शाम तक उधर 4 बजे रहे। उसके बाद फिर आप गए उनके पास? उसके बाद हम लोग 3 आदमी जो है कोने में गए, देखा देखा आवाज़ आ गया, मौसम भी साफ हो गया, उसको देखा या बस शाम की तरफ आ रहा है, तो हम वापस आया कोई 50 दाना पराठा बना के हटपाट में डाल के बोरा में बंद करके कंधे में लेके जाए, वो नाले बन गए ना, इंसान नहीं जा सकते, 7 फुट भरा में 5 फुट का खत हो गया तो नाले बना के। तुम की हालत कैसी थी जब आप वहाँ पर पहुँचे तो उनमें से? हालत बहुत मुश्किल थी, हमारा हाथ से पराठा ले गया मुँह में डाला चपा नहीं सका है ना, बस एक बार खुल गया अंदर किया बंद हो गया, फिर यहाँ लाया 9 बजे वो सारा अपना होश में आ गया ना, फिर बातें करना शुरू किया। बड़ी आपकी बहादुराना कहानी है, ये सुनकर तो खैर हमें कुछ अफसोस भी होता है कि ज़ाहिर है इंतजामात ऐसे होने चाहिए, लेकिन जब ऐसे बहादुर लोग मौजूद होते हैं मोहम्मद अली जैसे तो वो बहुत सारे लोगों का सहारा बन जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बचा लेते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मोहम्मद अली जब यहाँ पर फेस्टिवल सजता है तो क्या जज्बात होते हैं, कैसा लगता है इतने सारे लोग आपके पास आते हैं इकट्ठे होते हैं यहाँ पर? बस सर बहुत खुशी होता है एक दूसरे से, हम गिलगित चतराल ये साल का हमारा बाप दादे के जमाने से एक दूसरे से। उम्र कितनी है आपकी? मेरा कोई 59 है सर। अच्छा 60 के ऊपर। अच्छा ठीक। अच्छा मोहम्मद अली मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर रहते हुए जो सहूलियात यहाँ पर हैं या नहीं हैं, हुकूमत अगर आपको सुन रही है उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं आज? सर हुकूमत से तो गुजारिश है, हम इस हालत में हमारा बच्चे छोटे छोटे स्कूल पढ़ते हैं, फीस के लिए हमारे को मुश्किल होते हैं, तो 4 बेटा है हमारा, वो पढ़ा नहीं सकता हूँ सही कॉलेज में, हम ये होटल को लेके नहीं दाखिला, गुजारा नहीं होता। अब गवर्नमेंट को खुद पता है वीडियो इतना जा चुका है, वो देखते हैं, हम भी कभी भी गवर्नमेंट से भी नहीं मांगेगा, ये हमारा अल्लाह पाक से वादा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो हम अपना मेहनत मरने तक करेगा, गवर्नमेंट को हम ऐसा नहीं कहेगा हमें कुछ दे दो, अब हमें खुद देखते हैं, गवर्नमेंट का अफसर लोग भी आते हमें रोज देख के जाते, मशहूर आप मीडिया वालों का है कि आप आवाज़ हमारा उठाएं, अल्लाह पाक आप लोगों को बड़े से बड़े कामयाब करे, हमारी तो भी तमाम दुआएं आपके साथ हैं मोहम्मद अली। और ये हम जो पीछे देख रहे हैं यहाँ पर अंधेरा होता जा रहा है, शाम का वक्त है, लेकिन ये इनका टोटल होटल है जिस होटल में ये चाय फरोख्त करते हैं, यहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी होता है, लेकिन बस कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से इनके से खाना खा के चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सेहत दे, खुशियाँ दे, और आप ऐसे ही इस होटल में खाने खिलाते रहें, खाते रहें, और हम भी आपके पास आते रहें। क्या जबरदस्त कहानी दिखाई है शाज़ेब, और मैं देख रही हूँ कि फुल टोपी, फुल वहाँ का अटायर, आप भी मुझे वहीं के लग रहे हैं, लेकिन जल्दी से वापस आ जाएं, मेरा ख्याल है सबसे पहले पाकिस्तान अकेले नहीं करने में मज़ा आता, साथ मज़ा आता है, अब तक मैं तंग ना करूँ शाज़ेब को, दिन शुरू नहीं होता मेरा तो अधूरा अधूरा सा लगेगा, क्यों ना हम इस बात को छोटी सी देर बाद जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपसे शेयर करना है, सबसे पहले पाकिस्तान में कर रहे हैं हम आपका इंतजार, प्लीज डू स्टे विद अस एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे इतने का बहुत शुक्रिया, 92 पे बराए रास्त आप हमें देख रहे हैं, सबसे पाकिस्तान में अब जो कहानी है वो बड़ी अफसोसनाक है, माना के गलती हो गई, माना के नहीं करना चाहिए था, माना के मांग लेना चाहिए था, माना के प्लीज़ ये बंद कर दीजिएगा, माना के उसको पता नहीं क्या ऐसी थी कि उसने गलती की, लेकिन इस कदर तशद्दुद, लाहौर में फ्रिज से चीज़ें निकालना कमसन घरेलू मुलाजमीन के लिए जुर्म बन गया, डिफेंस में घरेलू मुलाजमीन 2 सगे भाइयों को मालिकान ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, हालात गैर होने पर दोनों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन 12 साल कामरान तबी इमदाद के दौरान चल बसा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 6 साल रिजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, जिस पर अस्पताल के अमले ने पुलिस को इतला दी, अब जब पुलिस इन्वॉल्व हुई तो बात बाहर निकली,
बाहर निकली तो वज़ीर आला पंजाब तक गई। हमजा शहबाज साहब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है इस हवाले से। इसी वाक़े पर मज़ीद थोड़ी देर में जानेंगे और हमारे साथ होंगे थोड़ी देर बाद चेयर पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्थ एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब से, कोई ना कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर हमारे साथ होगा। लेकिन ये तमाम सिचुएशन देखी जाए तो किसी पर इतना तशद्दुद के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। गलती हुई माना, चोरी की माना, सजा देनी चाहिए, ये क्या कयामत ढा दी। और अगर हम उनके घर वालों के वाले से बात करें तो जनाब जो उनके मालिकान हैं नसरुल्ला और उनकी अहलिया, बहू और दो बेटियों को जो है वो पंजाब पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनको गिरफ्तार करने से क्या होगा? क्या हमारे माइंडसेट बदल जाएंगे? क्या इनको गिरफ्तार करने से कल को कोई और मालिक मकान या रखने वाले लोग बच्चों पर, मुलाजमीन पर, बच्चे भी छोड़ दें मुलाजमीन, कि कोई आपके घर मुलाजमत कर रहा है, मैं इस इदारे में मुलाजमत कर रही हूँ लेकिन इज्जत के साथ हूँ, हमारे साथ जो काम करते हैं खाव वो हमसे सीनियर हो जूनियर हो, वो इज्जत के हकदार हैं, वो अपनी रोटी रोजी रिस्क के हलाल कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ये हम सब लोग इस इदारे में मुलाजमत कर रहे हैं, गुलामी नहीं कर रहे, इज्जत के साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमें इज्जत के साथ रखा जा रहा है। लेकिन क्या ये तमाम लोग जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा जा कर किस किस मजबूरी से अपने छोटे बच्चों को, आपके घर का छोटा बच्चा आप कहीं भेजते नहीं है कि हालात ठीक नहीं है बेटा बाहर मत निकलना, क्रिकेट खेलने तक तो हम अपने बच्चों को बाहर भेजते नहीं है, माफ कीजिएगा, सिर्फ इस डर से कि पता नहीं हालात खराब हैं क्या होगा। और कोई पूरा घराना अपने बच्चे को किसी के नौकरी करने के लिए भेज देते हैं, किस तरह भेज देते हैं, किस दिल से, किस कलेजे से, किस हिम्मत से, बड़ी अफसोसनाक खबर है ये। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, इसी वाक्य पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की रिप्रेजेंटेटिव और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वहां से सारा अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सारा जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सारा जी आपके आने से पहले बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में आने के लिए वक्त निकाला, लेकिन आपके आने से पहले मैं जिक्र कर रही थी कि कोई भी आता है ना आपके घर काम कर रहा है, आपके ऑफिस में काम कर रहा है, हम कहीं काम कर रहे हैं, हम रिस्क के हलाल के लिए निकलते हैं, हम मेहनत करने के लिए निकलते हैं, हम मरने के लिए थोड़ी निकलते हैं। ठीक है मौत बर हक है, लेकिन इस तरह जुल्म के साथ ये होना, ये जो फैमिली जिनके जो मालिक हैं वो, उनकी अहलिया, उनकी बहू, उनकी बेटियां, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या होगा? अब क्या सिचुएशन है, प्लीज जरा हमें बताइएगा पूरे वाक्य क्या सिनेरियो क्या हुआ। देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल जैसे आपने भी कहा, मैं स्ट्रॉन्गली इसको कंडेम करना चाहूंगी। एक तो बच्चों का हमें पता है कि मुलाजमत पे रखना ही एक जुर्म है, स्ट्रॉन्ग मतलब बच्चों की जगह स्कूलों में है और उनको हम उनसे यहाँ पे हमारे मुआशरे में काम करवाया जाता है एट सच अ यंग एज, जिनकी जगह स्कूल वाले खेलने की कूदने की उम्र है उनसे काम करवाया जा रहा है मेहनत उस तक। एंड अब देखिए ऑन टॉप ऑफ दैट अब उनको उन पर तशद्दुद, और ये तो दिस इज अ मर्डर, मतलब ये तो ब्रूटली उसको मर्डर कर दिया गया, इतना मारा उसको, इतना सारा कि उसकी मौत वाकई हो गई यार। और उस बात पे कि उसने पिच से खाना उनकी परमिशन के बगैर ले लिया था, तो ये तो हम पता नहीं कौन से लोग हैं जो कि बच्चे को कत्ल कर सकते हैं इस बात पे, इट्स अनबिलीवेबल एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली इसको कंडेम करने की जरूरत है। और अब जो मैं आपको बताऊंगी कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है मेरे पास, मेरी टीम का रब्ता है पुलिस के साथ, तो वहां से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सारी फैमिली मेंबर्स जैसे आपने बताया उनको अरेस्ट कर लिया गया है, इन पे FIR FIR में जो सेक्शन भी लगाए गए हैं वो बड़े सख्त हैं एज पर लॉ, तो ये कोई वीक FIR नहीं है। अच्छा, तो अब जी तो हम भी केस को फॉलो अप कर रहे हैं ताकि कोई किसी किस्म की बेल ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और इनको जो है ना वाकई में प्रॉपर एग्जेम्पलरी सजा दी जाए ताकि लोग इससे सीखें। और मुझे पर्सनली तो ये लगता है कि इतने ही वाकयात इंक्रीज हो रहे हैं कि इसके अगर हम इसी तरह पब्लिकली इनको सजा दें दैट शुड हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन अदर्स, क्या कि लोग मुलाजमत पे ही ना रखें और इस तरह के
हिम्मत ही ना थे। कुछ सारा जी आपकी बात को काटते हुए मुझे, मैं ना समझ नहीं पा रही कि बच्चों ने ऐसा उनके फ्रिज से क्या चुरा लिया था जिस पर उन्होंने इतना तशद्दुद किया, और इतना तशद्दुद भी क्या किया कि उन बच्चों में से एक की मौत वाकई हो गई, दूसरा अस्पताल पहुंच गया। हाँ जी बिल्कुल, और ये सिर्फ अभी नहीं हुआ, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि ये काफी महीनों से इन पर तशद्दुद किया जा रहा था, और अब फाइनली इतना ज्यादा किया इस बार कि उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। एंड जो उसका भाई है रिजवान, उसका नाम है, वो भी कोई 5-6 साल का है, घर में मुलाजमत कर रहा था, उस पर भी कुछ तशद्दुद के निशानात है जिसकी अभी मेडिकल करवाई जा रही है, वो पुलिस के पास है। एंड आई प्लान टू विजिट हिम इंशाल्लाह टुडे, तो कल खुद देखूं, मैं उससे खुद बात करूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और हमने एक और चीज किया, क्योंकि भावलपुर में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन पर, और ये फैमिली भावलपुर की है, दिलीप से। अच्छा सारा, ये क्या कैफियत होती है, मैं ये समझने से कासिर हूं, घरों की क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, आपस में नाचाकियां हैं, झगड़े हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, कि वो अपने से कमजोर पर निकलती हैं, और वो भी जो आपसे इतने छोटे हो। जी बिल्कुल, देखिए मैंने तो अपने सामने कोई 250 ऐसे वाकयात देखे एक साल में, जब से हम चेयरपर्सन, इतने सारे वाकयात आए हैं सामने, और वो भी कभी तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल, क्या अच्छी फैमिलीज में, लाइक अपर क्लास में भी, कि वो बच्चों पर, उन्होंने अपने मुलाजमों पर तशद्दुद पर कभी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। तो बेसिकली इशू ये है कि आप सही कह रहे हैं, ये साइकोलॉजिकली ना देर नॉट ओके, ये कोई मरीज टाइप लोग हैं, एक्चुअली देर लाइक पेशेंट्स ही है ना, ऑब्वियसली जी, बिकॉज दे डिस्टर्ब्ड, बेसिकली नॉर्मल लोग ही नहीं है, ये अपना गुस्सा जो है ये मुलाजमों पे, जैसे आप कहते हैं छोटे तबके वाले लोगों पे निकाल के ये इनको सेटिस्फेक्शन देता है, और इनकी इनको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सो दे कैन इजीली गेट अवे विद इट। तो सारा, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन दिस सिनेरियो, लाइक ऑलवेज के पैसे दिए जाएंगे, चुप करा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, पैसे में बड़ी ताकत होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। जी यू राइट, दिस इज ट्रू, ये होता रहा है पास्ट में, हमने खुद देखा है, जबकि हम आपको पता है कुछ केसेस में खुद पेरेंट्स को कन्विंस करती थी कि मत लो वापस, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, बट देन यू नो मनी हैज सो मच पावर कि वो बैकडोर सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन आई अप्रिशिएट द पुलिस जिन्होंने प्रॉम्प्ट पीस को गिरफ्तार किया है इस पूरी फैमिली को, और इस FIR भी मैं आपको जो बता रही हूँ सेक्शन लगा है, दे आर नॉट वीक, दे आर स्ट्रॉन्ग। सो जो है वो इसका मीडिया जब तक हाईलाइट करता रहता है ना वाकया को, वाक्य को किसी भी, तो वो बड़ा जो है उस पर जो सजा मैंने देखा है वो भी जाती है, तो मीडिया को भी इसका क्रेडिट जाता है। आई होप आप लोग इसको हाईलाइट करते रहे जब तक। फॉर श्योर। कुछ इतला आते हैं सारा, कुछ पता चला कि सब किसके मारने की वजह से उसकी क्या, इस तरह की जिस बच्चे की डेथ हुई है उसकी वजह का कुछ सामने आया अभी तक रिपोर्ट्स के हवाले से, कि क्या वजह बनी उसके डेथ की, क्या किया उसके साथ, कुछ पता चला कि सबने मिलकर मारा था या किसी एक ने, कोई इतला, एनी न्यूज फ्रॉम इनसाइड? ये एग्जैक्टली तो आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ ही वाज बीटन अप, लेकिन मैं आज क्योंकि पुलिस स्टेशन को जा रही हूँ उसको मिलने के लिए कि भाई को, आई विल गेट मोर डिटेल्स प्लीज। ये तो कंफर्म है कि तशद्दुद किया गया, इतना बुरा कि वो उसकी डेथ हो गई, एंड मतलब दिस इज वेरी शेमफुल। आपको पता है दिस इज नॉट जस्ट देयर फैमिली, एब्सोल्युटली हमारे मुल्क के लिए, ये हम सबके बच्चे हैं, और ये हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक वाकई, हम सबके अपने बच्चे घर में है, जब हम ऐसी चीजें सुनते हैं जैसे आपने मेंशन किया, तो आप तो मतलब काफी डिस्टर्ब रहते हैं। आप बिल्कुल डिस्टर्ब रहते हैं सारा, क्योंकि कोई भी, अब मुझे अफसोस इस बात का है कि गुर्बत हमारे यहाँ, बेरोजगारी हमारे यहाँ, मजबूरी लाचारी इतनी बढ़ गई है कि फिर वही घर के बच्चे उसी को ठीक करके फिर उसको काम पे भेज देंगे, या उसके मोहल्ले में देखेंगे, अफसोस करेंगे, हाय हाय करेंगे। हम लोग तो लगता है ज़ाहिर तौर पर ऐसे मफलूज से होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ होने वाले हालात को देखकर, कि हाँ ठीक है, अब वो फिर हम कहते हैं हाँ ऐसा होना ही था, कल को उसके पैसे मिल जाएंगे। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मुझे क्या आप कहना चाहिए, मतलब एक बच्चा जान से चला गया, उसके साथ जुल्म हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं। अच्छा एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी इम्पोर्टेंटली, जिसका भाई है ना, नेम इज रिजवान, ये 5-6 साल का, जी ये पुलिस के पास है, इससे भी तशद्दुद के निशान है। तो अब हम क्या चाहते हैं, अभी ब्यूरो हम चाह रहे हैं कि इसकी कस्टडी हमें दे दें, राइट, वापस कहीं और मुलाजमत से इसके माँ बाप बना रखवा, राइट,
फ्लोरों में दे दें तो हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बल्कि सारा मैं आपसे गुजारिश करूंगी अभी टीम के बिहाफ से, वी हैव नॉट डिसाइडेड, बट मैं अभी से उनकी तरफ से कह रही हूँ कि जैसे ही आपकी तरफ रिजवान आए या कोई इतलाव मजीद आए, आप प्लीज शो पे आए ताकि हम जैसे कि आपने कहा दोबारा इसको जो है वो लेकर चलेंगे साथ में और इसके ऊपर मजीद जो है वो प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे ताकि आगे किसी और बच्चे के साथ काम करने वाले के साथ इस तरह का जुल्म ना हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थी इस वक्त चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब से सारा अहमद साहबा, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। ईद कुर्बा के ऊपर जरा बात आते हैं कि लोगों ने खूब गोश्त से जो है वो बने हुए खाने भी खाए, दस्तरखान भी सजाए और बहुत ज़्यादा रौनकें भी लगें, इसके बावजूद कि जिन्हें आप कहा गया था सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें और ख्याल रखें, लेकिन ज़्यादा गोश्त खाना भी जो है वो सेहत के लिए क्या करता है, सॉल्ट बढ़ाता है आपके जिस्म में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपको बदहजमी करता है, ये तमाम चीज़ें मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैं ऐसे ऐसे जो एक्सपर्ट्स जो मौजूद हैं मैं उनके साथ इतने करीब से काम करते रहती हूँ, चाहे वो मेरी क्लिनिकल डाइटिशियन हो या मेरी मोस्ट फेवरेट GP हो यहाँ पर मौजूद। लेकिन क्योंकि अक्सरियत पेट के अमराज से जो है वो मुब्तला हो जाती है और जो फेस करते हैं वो उसमें डायरिया है, उसमें डायरिया के साथ जैसा लूज मोशंस, वॉमिटिंग अलग, मड़ोड़े अलग, एक जगह जाके दर्द फंस गया, समझ नहीं आ रहा क्यों फंस गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, जो जब आप कर रहे थे तो आपने एहसास नहीं किया आप क्या कर रहे थे, वो आप वो जो कर रहे थे उसी की वजह से आप आके फंस गया, तो ये सब कुछ बहुत होता है और दावतें भी जनाब मजीद जो है वो बढ़ जाती हैं कुर्बानी के इन दिनों में, क्योंकि गोश्त भी तो सबको खिलाना होता है और सबका हक भी होता है ऑब्वियसली। लेकिन हमने भी यहाँ पर दावत की है, यहाँ पर दावत इनको दी है, वो खुद यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पर कोई गोश्त की दावत नहीं है, यहाँ पर उनको दावत दी है कि प्लीज वो अपनी नॉलेज आके हमसे शेयर करें। हमारी मोस्ट फेवरेट जनरल फिजिशियन इस वक्त मौजूद है डॉक्टर उज़्मा हमीद, सलाम अलैकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। हमने पर्सनली तो कर लिया था एक दूसरे को ईद मुबारक, लेकिन हम शो में भी कर रहे हैं, मेरे लिए सरप्राइज था, मुझे पता ही नहीं था डॉक्टर साहब आज पहुंच जाएंगी, लेकिन पानी वगैरह सिचुएशन सब क्लियर है आपकी तरफ? जी अभी क्लियर था, मैं आई सारी चीजें बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, खैर आफियत से गुजरी जी, बिल्कुल। पेट की सिचुएशन ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने बड़े जो एक एतदाल के साथ खाया तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जहाँ कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं ठक करके इनको मैसेज कर देती हूँ, मुझे बिल्कुल कोई इन्होंने वो स्पेस दे दी, जिसकी मैं इनके लिए बहुत शुक्र गुजार हूँ डॉक्टर साहब। आपके वक्त के साथ साथ इस बात का सवाल करना बहुत जरूरी है कि गोश्त खाएं जरूर, आपने भी पिछली दफा बताया तो जरूर खाएं, लेकिन इतना खाएं कि जितना आपको आप हजम कर सकें। जाहिर है मजेदार पकवान बनते हैं, खुशबुएं फैलती हैं, कहीं पाए जो है हमारी वालदा ने वहीं पे फौरन चूल्हे पे चढ़वा दिए भाभी से कहकर, और फिर जो यखनी बनती है उसकी खुशबू बावला कर रही होती पूरे खानदान को, लेकिन लोगों को हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है, ये हाथ कैसे रुके, क्योंकि फिर जो होता है फिर कोई वो रुकता नहीं है। हाँ। उसको रोकने के लिए फिर दवा चाहिए होती है, तो फिर क्या करें डॉक्टर? देखिए मैं कहती हूँ ये अल्लाह ताला ने जो ईद दी है ना, आप इसको अच्छे से एंजॉय करें, और एंजॉय इस तरह करें कि आप तीनों दिन उसको दाल में खाएंगे ना तो भरपूर एंजॉय करेंगे, और अगर आप एक ही दिन में सब खा लेंगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए कुछ मेटाबॉलिज्म के लिए, इसके ब्रेक डाउन के लिए आपको कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आप डाइजेस्ट करवाएं, right. और अगर आपने एक दिन इतना खा लिया तो अगले दो तीन दिन खुदा ना खासा को खिचड़ी या उसमें ना आना पड़े। हाँ, सही बात है, सब आप लवा सब लोग बारबेक्यू कर रहे होंगे और आप कुछ नहीं खा सकते, आप वही दही और खिचड़ी तो बेहतर ये कि एतदाल में खाएं और थोड़ा थोड़ा करके खाएं, पोर्शन साइज को कंट्रोल रखें। देखिये इसका तरीका यह होता है कि आपने एक हथेली के साइज का आपने जो है तकरीबन 3 ounce बनता है या 100 ग्राम एक हथेली के साइज का आपने मीट का पीस ले लिया, मीट का पीस अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर ले, ये वन टाइम सर्विंग है या पूरे डे की सर्विंग है? ओ, आपकी हथेली आपकी वन टाइम सर्विंग है, ओ, या पूरे दिन में 3 ounce का होता है, ये चौड़ा कितना भी हो मतलब इसलिए कहती हूँ गोश खोर जो लोग हैं ना वो सुन रहे होंगे, एक स्टैंडर्ड एक इंच डेढ़ इंच दो इंच तक तो इतना हो, तो उसमें आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, जिंक की, आयरन की, कॉपर की, वो एक पूरी हो जाती है, सफिशिएंट है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो आप खा सकते हैं, चाहे उसको उसी को नमक काली मिर्च लहसुन डाल के उसको स्टेक कर लें, या आप उसको पीसेस करके उसको सालन खा लें, क्यों कर लें या सालन खाना है, जिस तरह से भी अगर आप इसमें करेंगे ना, एक तो आपकी सारी डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, और दूसरा ये है कि आपको आप पूरे टाइम ईद इंजॉय कर सकते हैं, यानी अगर आपने एक ही टाइम सिर्फ
गोश्त गोश्त खाया और इतना ज्यादा खाया तो वो बेसिकली गोश्त के अंदर प्रोटीन और फैट होते हैं जो कि ज्यादा टाइम लेता है ब्रेक डाउन होने में. अच्छा, हजम होने में टाइम लेता है और ताजा भी होता है तो वो और भी डिफिकल्ट होता है. देखिए उसके अंदर जो प्रोटीन है ना गोश्त के अंदर और जो फैट है उसको टाइम लगता है 3 से 5 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में. हम इतना टाइम देते नहीं, दोबारा खा लिया फिर क्या होता है, हमें एक वॉमिटिंग वाली फीलिंग हो रही है या पेट डिस्टर्ब हो गया क्योंकि जो डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको डाइजेस्ट करवा नहीं रहे होते और हम खाए चले जा रहे होते हैं. फिर उसके बाद जवाब होता है पता नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं खाया था उसके पता नहीं. और सबसे उसके बाद हम कार्बोनेटेड रिंग्स जो उसके ऊपर ले लेते हैं वो समझने बड़ी खतरनाक ऐसी हो जाती है आपकी. अच्छा, साथ साथ आपको सवाल करूंगी नेक्स्ट वाले, यानी कि अगर आप सालन में भी हो या आप यखनी भी पुलाव खा रहे हो तो उसमें से अपने पाम के साइज की जो मीट है वो आप निकाल के उतनी ही आप खाएं. कोशिश करें कि लीन मीट हो यानी कि चिकनाई से पाक हो, सादा साफ सुथरा गोश्त हो. और दूसरा ये है कि ये तो मैंने एक हेल्दी इंसान के लिए बिल्कुल, बताया बिल्कुल. लेकिन अगर आपकी हेल्थ सिचुएशन लाइक कोई डायबिटीज है या कोई ब्लड प्रेशर है या कोई दिल का मसला है या खुदा ना खासा कभी स्ट्रोक का कोई मसला रहे तो उसमें बहुत सोच समझ के खाना चाहिए क्योंकि उससे फिर लिंक्ड होता है कि आपके ब्लड प्रेशर या कोई दिल के अंदर कोई मसले मसाइल स्टार्ट ना हो जाए. राइट, तो आप बड़ा सोच समझ के खाना चाहिए. बिल्कुल सही आपने ही कहा था और मेरी सनास्फर जरकनी राजेश्वर ने भी ये कहा था कि 7 बजे के बाद मत खाएं कुछ. तो मैंने ना आप लोगों का मैसेज अपने फैन पेज पे भी मैं दे रही थी कि प्लीज 7 बजे के बाद ना खाइएगा, गोश्त बहुत हैवी होता है. डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है. डाइजेस्ट करना तो ऊंट और गाय का भी गोश्त डॉक्टर साहब, मैं तो खाती नहीं हूँ गाय का और ऊंट का, उसे खाया ही नहीं जाता. एक थोड़ा सा इसको मैं मिसकॉन्सेप्ट भी कहूंगी और एक मिथ है कि अगर हम मटन खा लेंगे तो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा, अगर हम काओ खाएंगे तो वो हमें डाइजेस्ट देर से. ऐसा कुछ नहीं है, वो भी तो बीफ है, वो भी तो मीट है ना, उसके अंदर भी प्रोटीन है, उसके अंदर भी वही चीज है. तो फिर हजम क्यों नहीं होता? क्योंकि हजम होगा लेकिन टाइम लेगा. अगर हमारा एक होता ना, अगर हमने मटन खाया है तो कोई मसला नहीं होगा. अच्छा, तो मटन का गोश्त था, ऐसा नहीं है. मटन के अंदर भी फैट होता है, मटन के अंदर भी प्रोटीन होता है, वो भी टाइम लेता है. तो आपने चाहे मटन हो चाहे बीफ हो, आपने सोच समझ के जो मैंने पाम साइज बताया है वही आपने डे पर डे कंज्यूम करना है. इससे ज्यादा करेंगे तो फिर जाहिर सी बातें इश्यूज आएंगे. एक्चुअली साइकोलॉजिकली हमें हर 2-4 घंटे बाद खाने की जरूरत होती है, पेट को जरूरत नहीं होती 2-4 घंटे बाद. हमारा दिमाग कह रहा था कि ओ द सेकंड मील का टाइम हो गया. तो हम पोर्शन साइज जब कंट्रोल करते हैं ना तो दो फॉर एग्जाम्पल आप प्लेट भर के एक टाइम में खा लें या उसी प्लेट को आप 4-5 पोर्शन में तोड़ के खा लें, आपको आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है उसको डाइजेस्ट करने का. और फिर आपको एक अच्छे से और वो फूड आपको लगेगा भी ठीक ठीक है और आप एकदम सैचुरेटेड नहीं होगी आपकी बॉडी. तो एकदम आप कहते हैं बहुत ब्लोटेड हो गए, लोडेड हो गए, ये हो गए, तो वो चीज नहीं होगी. ठीक है, दरअसल दो चीजें हैं. एक तो ये कि गोश्त से एलर्जी होती है कुछ लोगों को, ये तो लॉजिकल है ना, एलर्जी तो होती है. अच्छा, कुछ लोगों को मटन से नहीं होती लेकिन बीफ से होती है, ये भी है ना, ये भी पॉसिबल है. बिल्कुल है, तो वो ना खाएं, अवॉइड करें अगर उनको खाना है. बिल्कुल, देखें किस कैसे पता चलता है. फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने मीट खाया, काव का ले लिया, तो मुझे क्या होगा कि मेरी बॉडी पे रैशेज आना स्टार्ट हो गए या इचिंग स्टार्ट हो गई या बॉडी के ऊपर जैसे कहते हैं ना इसको हम आम फैम में कहें पित्ती उछलाई, लोग के मोटे मोटे से ददौड़े पर ददौड़े जो बन जाते हैं. अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर वो मीट के कंजप्शन के फौरन बाद हुआ है और आपने पहले भी नोटिस किया था तो इसका मतलब है कि कोई एलर्जन है मीट के अंदर जो आपने रिएक्ट किया है और आपकी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया है. ठीक है, तो मींस कि फिर नेक्स्ट टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब कभी आप कंज्यूम करेंगे मीट आपको यही सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा. अक्सर लोगों को जो है वो खाने का होता है तो वो पहले से एंटी एलर्जी ले लेते हैं, वो भी इट डज इट वर्क? देखिए पहले से एंटी एलर्जी लेना ऐसा कुछ नहीं है. मतलब नहीं, अगर मैं कहूँ कि पहले से एंटी एलर्जी ले ली और आपने मतलब अननेसेसरी हम क्यों मेडिसिन लें? क्यों लें? सही कह रही हैं. क्योंकि अननेसेसरी चीजों को हमारी यही एक गलती करते हैं कि हमने कहा कि ये है और हम ले लें और उसके बाद देखें हर चीज एक चीज को फायदा पहुंचा रही है. अगर आपने गैर जरूरी दवा ली तो वो भी उसके अंदर भी केमिकल्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपकी बॉडी उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकती है. उससे भी कोई एलर्जन हो सकते हैं जो एलर्जी हो सकती आपको है. क्या पता क्या आपको नहीं पता, इवन लोगों को एक सिंपल पैरासिटामोल से भी एलर्जी होती है. तो आपको कभी भी गैर जरूरी दवाएं पहले से मैं खा लूंगा, आपने कोशिश करनी है जिससे आपको एलर्जी है आप उसको अवॉइड करें क्योंकि एलर्जी ये होता है बहुत मुश्किल होती है इसको ट्रीट करना. आप उस चीज से ही आपको होता है कि आप उसको अवॉइड करें. बिल्कुल ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों का मैदा वैसे ही सेंसिटिव होता है, ठीक है, ऐसी सूरत में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए अब मैं आपको सूरत हाल पता होगी कि मैंने एक लिमिट में अपना देखना है कि मैं कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती हूँ. ठीक है, इसी तरह मैंने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये ईद का सीजन है, हम लोग बारबेक्यू भी कर रहे हैं,
एक तो ये कि आपने इत्तेदाल में खाना है, बहुत ज्यादा उसको डीप फ्राई चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें ना खाएं, और कोशिश करें लेट नाइट ईटिंग ना करें. लेट नाइट आप पहले से और मतलब 7-8 बजे जो आपने टाइम बताया बेस्ट टाइम है. आपने वैसे तो कहते हैं कि मगरिब के फौरन बाद डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन आपको पता है ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है. तो 8-8:30 मैक्सिमम टाइम है इसके खा लें. उसके बाद कोशिश करें कि इतना लंबा फिर आप लेट नाइट ना खाएं, रात को इस्पगोल ले लें. है ना, इस्पगोल की अगर लेयर भी, मैं भी पूछने वाली थी साहब, अक्सर जो ना लोग इस्पगोल की लेयर बना लेते हैं कि पहले इस्पगोल ले लेते हैं और उससे जो है ना वो पेट पे कहते हैं एक लेयर बन जाती है, इससे जो है ना वो पेट हमारा महफूज हो जाता है. उसमें भी रोशनी डाल दें. देखिए इस्पगोल के अंदर मेनली फाइबर है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, जो कि इस चीजों से बचाता है. ऐसा नहीं कि स्टमक में जाके कोई लेयर बना देगा, उसके अंदर फाइबर होता है. बेसिकली वो फैसिलिटेट करता है कि जो हमारा स्टूल है वो इजीली पास आउट हो जाए. ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि लेयर बनाए उसके बाद हम खाते चले जाएं तो बावल हो जाएं खा के, ऐसा नहीं. अच्छा दूसरा एक चीज मैं बताऊं, लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेंगे मीट की तो उससे कॉन्स्टिपेशन भी होती है. बिल्कुल हो जाए तो एक तो पानी का इंटेक भी अपना अच्छा रखें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो. और दूसरा जैसे कि आपने थोड़ी सी ड्रिंक्स ऐसी पी है बजाय इसके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के, आप कोई कहवा ले लें ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे. क्या बात, ग्रीन टी तुर्की में ऐसे होता है, लोग गोश्त बहुत खाते हैं लेकिन कहवा पीते रहते हैं. कहवा पीने तो डाइजेशन में हेल्प करेगी. तो ये चीजों को हम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ईद अच्छी भी गुजरेगी और आप इसको ऑब्वियसली अभी 2 दिन के बाद फिर वीकेंड आ रहा है तो इसलिए, और बारिश भी आ रही है तो जिंदगी मौत. बारिश है तो फिर मीट को जरा अच्छे से कुक करके करें, अपने हाथों को वॉश कर लें ताकि कंटामिनेशन ना हो मीट की और दूसरी चीजें फिर कहाँ मिलेंगी आपको इतनी अच्छी और बातें सिवाय सुप्स मेरे पाकिस्तान के. तो मैं डॉक्टर साहब आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम की तरफ से. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम. गॉड ब्लेस यू. रहेंगे रब्ते में इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बिलखैर मोहब्बतों के साथ मिलाता रहे. इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ सुप्स मेरे पाकिस्तान में. हम कर रहे हैं आपका इंतजार. एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. आप देख रहे हैं सुप्स मेरे पाकिस्तान बराह रास्त 92 न्यूज पर, और मैं एक बार फिर बड़ी ही खुशी के साथ एक खबर शेयर कर रही हूं. बसारत से महरूम पाकिस्तानी तीरंदाज ने दुनिया भर में सब्ज हिलाली परचम लहराया. पाकिस्तानी जहां जाते हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि वो धूम मचाते हैं, ख्वाब वो पाकिस्तान से बाहर हो. ये जो मैं बात कह रही हूँ इस पे एक छुपा हुआ राज है, आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा. प्लीज ये बंद कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच. लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड आर्चरी जनाब पैरा चैंपियन में एशिया के लिए चांदी का पहला तमगा जीतकर तारीख रकम करने वाले इन नौजवान की, तो जनाब तनवीर अहमद ने ये बाजी मार ली. वर्ल्ड रैंकिंग यूरोपियन कप 2022 में तनवीर अहमद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं तनवीर अहमद से. अस्सलाम वालेकुम तनवीर, क्या आप सबसे पहले बहुत मुबारकबाद इन तमाम फतवाहत पर, और साथ साथ कौन कौन से मुकाबलों में मेडल्स जीते हैं भाई, हमें जरा बताएं तो सही आप. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपको आपका मुझे इनवाइट करने के लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंट 9 तारीख को जो वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट था और यूरोपियन कप था, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया अपने एक कंट्री के लिए, और पाकिस्तान का फ्लैग चेक रिपब्लिक की तरफ इन पे अप किया. और उसके अलावा रिसेंटली वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैम्पियनशिप का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी दुबई में हुई 2022 में, उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट था और मुझे ये ऑनर हासिल हुआ कि मैं वर्ल्ड नंबर 2. माशाल्लाह. तो फिर तीरंदाजी का शौक कैसे हुआ, इतने मेडल्स तो जीत लिए, तो ये शौक पैदा कहाँ से हुआ, ट्रेनिंग कहाँ से ली? जी इसका तमाम तक क्रेडिट मेरे कोच मोहम्मद इजाज साहब को जाता है, जो कि बर्ड ऑफ एशिया उनके बेटे हैं और मेरे साथ पिछले 4 साल से वर्क कर रहे हैं, और उनकी ही मेहनत है कि मैं आज इससे. जी जी बताइए बताइए. जी और ये एक स्ट्रगल है जो पिछले 4-5 साल से हम लगे हुए हैं और मुसलसल मेहनत का नतीजा है, और यही वजह है कि मुसलसल एफर्ट, और क्योंकि ये गेम है प्रैक्टिस की, और जितना अच्छा आप इसको प्रैक्टिस में करते हैं उतने रिजल्ट मिलते हैं.
बिल्कुल सही बात है कि जितनी आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स होंगे। अच्छा, अब तक कौन कौन से मुकाबलों में आप हिस्सा ले चुके हैं, जरा तनवीर ये भी बताते चलिए साथ साथ। मैं दो इंटरनेशनल इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, एक वर्ल्ड आर्ची पैरा चैंपियनशिप 2022 जिसमें कि मेरा सिल्वर मेडल था, उसके बाद फिर रिसेंटली यूरोपियन कप था और वर्ल्ड रैंक उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, और विद इन मंथ में ये दो इवेंट्स हुए और दोनों में मैंने मेडल हासिल किया अपने कंट्री के लिए। क्या बात है। अच्छा, ब्लाइंड आर्चरी की क्या रोल्स, मतलब कितने मुख्तलिफ होते हैं ये जो रूल्स होते हैं उसके, क्या मतलब उसमें कुछ गलत मतलब मुख्तलिफ होते हैं, मुश्किल होते हैं, क्या जरा बताइएगा क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस ये है कि आम लोग जो है तीरंदाजी जब करते हैं तो वो अपने टारगेट को देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए ये है कि हम ज्यादा दूर तक टारगेट को नहीं देख सकते और हम जी आम के लिए ये है कि उनके लिए एक छोटा सा होल होता है जिसमें से वो अपने टारगेट को देखते हैं, जबकि हमारे लिए एक स्टैंड होता है जिसकी टेक्टाइल जिसको अपना हम हाथ की बैक एंड साइड को टच करते हैं और हमारा कोच जो है हमें एक दफ़ा अलाइन करता है विद इन सिक्स एरोज, एक दफ़ा हमें अलाइन कर सकता है हमारा कोच, और देन अपने आप को हम अलाइन रखते हुए तो छः एरो शूट करते हैं और उस पर जितने हमारे पॉइंट्स होते हैं उसकी बेस पे हमारी रैंकिंग बनती है and then we go to the knockout round and then for the qualification medal match but too. Tanveer, this is so difficult, no, ye to zyada mushkil hai definitely, jab aap apne target ko nahi dekh rahe to aap apne mind ke andar ek goal bana rahe ki that is my target aur usko maine achieve karna hai, to isme ek aap adventurous kisam ki game hai aur alhamdulillah ke तक हम जा चुके हैं कि हम पाकिस्तान का नाम दुनिया के जो नामों में है, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं उसमें आ रहे हैं हम। मैं आपको पता है मैं आपसे बात कर रही हूं और मुझे आप पर इतना फख्र हो रहा है, तो मैं ये सोच रही हूं कि जो आपके साथ आपको देखते हैं खेलते हुए, जिन्होंने आपको देखा है, जो आपके सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको जो है आपका साथ निभाया, उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी ये, और उनके तो खुशी से आंसू निकल आए होंगे क्योंकि आप जिस तरह मुझे बता रहे हैं पाकिस्तान का झंडा लहराना, वहां पर जाके अपना नाम, अपने मुल्क का नाम, अब कौन कौन से और कौन से हदफ हैं जो पार करने हैं जरा वो भी जरा बताते चले दुनिया को। अभी हमारा नेक्स्ट हदफ जो है वो यूरोपियन कप की फाइनल लेग है, ये जो अभी हमने चेक रिपब्लिक में खेली ये फर्स्ट लेग थी और इसकी फाइनल लेग है नॉटिंघम यूके में, तो मेरा नेक्स्ट जो है वो टारगेट वो है और उसके बाद नेवरदीलेस 2023 की वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप है जिसमें एक दफा फिर इंशाल्लाह मेरा कोशिश है कि मैं गोल्ड तक जाऊं। तो फिर सूटकेस पैक हो चुका है, तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान का झंडा एक बार फिर लहराने के लिए, फतेह आप होकर आना है जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अपनी एफर्ट हमने जारी रखी की तरह की मंजिल दूर नहीं हमारे से, मैं बता नहीं सकती। तनवीर आपसे मिलकर आपसे बात कर हम सबको इतनी खुशी महसूस हो रही है और आज से आपके लिए साथ जो है वो दुआएं भी हैं और साथ साथ तस्बीहां भी हैं कि इंशाल्लाह जीत के आए, लेकिन बहुत 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 हिम्मत वाला काम किया और आपने पता नहीं आपको पता नहीं किस किस के लिए आप इस पर इंस्पिरेशन बनकर आए हैं। आप इंसान को खुद पता नहीं होता किसी जिंदगी में वो क्या असर डाल के जाए, मैंने कितना कुछ सीखा है अभी आपसे और आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने किस किस की जिंदगी, किस किस के दिल को, किस किस की सोच को, किस किस की इस वक्त जिंदगी का दिन को टच कर दिया होगा। थैंक यू सो मच तनवीर, पाकिस्तान को इस तरह ही जो है वो अपना पर फख्र है और इंशाल्लाह ताला इस फख्र को बरकरार रखे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ने की बात करते हैं तो प्रोग्राम में आज बड़ी खास मेहमान है हमारे साथ, सात समंदर पार से, जनाब ऐसे शहर से जिस शहर का ताल्लुक मेरे महरूम भाई से भी है और वहां से जब कोई आता है वैसे ही तो पाकिस्तानी कोई आता है दूर से तो वैसे ही उससे एक मोहब्बत होती है, ऑब्वियसली अपने वतन से दूर होते हैं और आने वालों को ज्यादा होती है क्योंकि वो अपने घर से, अपने जमीन से, अपनों से, अपनी जबान से, अपनी मोहल्ले की उस दूध पत्ती की दुकान से और अपनी सब्जी वाले को मिस करना, ये सब रौनकें हमारे मुल्क की हैं जो लोग मिस करते हैं, लेकिन ये जो वहां रहकर कर रही हैं ये काम भी कोई छोटा नहीं है। अगर यूं कहूं कि वहां पर सात समंदर पार लोगों को मोहब्बत करना सिखा रही हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। इनकी किताबें बच्चों की तरबियत में इंतहाई बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, कैसे मददगार हैं इनकी किताबें। अमेरिका जैसे मुल्क में मुस्लिम खानदान अपने बच्चों को मजहब से मुताल्लिक तालीम कैसे दें,
मुझे याद है मेरे भाई मरूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके घर में लाउंज में एक जगह आजान वाला जो क्लॉक रखा होता था, तो लोग कहते थे कि जब हम जाते हैं, जावेद घर का नाम जावेद था, तो कहते हैं उनके घर जाते तो लगता है पाकिस्तान में है, तो लोग बड़े परेशान होते हैं कैसे हो आज इनसे मिलकर अपनी मादरी जबान को जहाँ उन्होंने सात समंदर पार जिंदा रखा हुआ है, किसी तारीफ के मैं कहूँगी ना मतलब तारीफ मेरे पास अल्फाज ही नहीं है जो मैं इनको इनकी इनको सराहूँ। उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? 2006 में उनकी इस्लाम अस्सलाम वालेकुम अमेरिका के नाम से पहली किताब शाया हुई, क्या जिंदगी का सफर रहा, क्यों ये कर रही हैं? अच्छा तो कर रही हैं लेकिन करने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए, कैसे ये हिम्मत आई? हमारे साथ मौजूद हैं राइटर तस्नी सना खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, योर वॉइस बहुत अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, कब पहुंचे हैं आप पाकिस्तान? हम लोगों का मोस्ट एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, ज्यादा अभी तक तो आपका जेट लैग खत्म हुआ होगा, अभी जाके खत्म हुआ, लेकिन बस क्या बताऊं, बहुत मजा आता है, मजा बहुत आ रहा है। अच्छा, आपने बारिशें देख ली, बारिशें देख ली और बकरे भी देख लिए और कुर्बानी भी देख ली, गाय से भी मुलाकातें हुई। तो आपका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है और वहाँ पर आप बच्चों को मादरी जबान से मोहब्बत करना सिखा रही हैं, तस्नीम जी कैसे? ये कहना चाहिए कि जो मेरी तालीम कैलिफोर्निया से ही, मैंने कैलिफोर्निया से तालीम हासिल की है। अच्छा। तो वहाँ पे तरबियत का जो, जैसे यहाँ बीएड होता है वहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट क्रेडेंशियल्स और सिंगल सब्जेक्ट, तो वहाँ कहना चाहिए प्रोजेक्ट्स होते हैं हम लोगों को करने होते हैं। अच्छा। तो मेरे साथ इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं वो प्रोजेक्ट्स करती थी तो वहाँ पर कैलिफोर्निया में खासतौर पर स्पेनिश जबान, जी हाँ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बॉर्डर है, बॉर्डर है, तो जो भी जो दूसरी जबान का सोचते हैं तो फौरन स्पेनिश आती है, उर्दू तो हम कहीं है ही नहीं भाई, हम तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं। तो मैं जब भी वो प्रोजेक्ट्स होते थे तो मैं सबसे पहले ऐलान कर देती थी भाई मैं तो उर्दू का करूंगी, किसी को अगर मैं उस वाने में करती थी जब मैं पढ़ रही थी। अच्छा। तो उसमें ही होगा, सब कहते थे जी बोलते थे जी, तो मैं सबसे ये कहती थी भाई मैं तो उर्दू में काम करूंगी, कोई गेम बनाऊंगी, जो भी मेरा प्रोजेक्ट होगा वो इंग्लिश टू उर्दू होगा। अच्छा। तो अब उसमें क्या होता था कि ज्यादातर लोग आप जब लीड करते हैं प्रोजेक्ट को तो दूसरों के लिए आसानी पैदा कर देते, तो वो ये कहते हैं खासा काम तो ये कर देंगे तो चलो उन्हीं के साथ शामिल हो जाते, तो लोग आ जाते थे, हमारा काम तो ये कर देंगे तो हम जो है वो साथ साथ हम भी ग्रेवी की तरह शामिल हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ये बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, और फिर उससे मैंने सीखा कि ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि हम तो कहीं है ही नहीं अभी, तो हम कहना चाहिए जबान है हमारी, जो सुनता है वो दीवाना ही हो जाता है, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और एक्चुअली इसका पता है जो आपके जो टीचर्स होते हैं ना उनका बड़ा हिस्सा होता है, जिसमें मैं पढ़ रही थी तो मेरी जो मुझे अंग्रेजी मजमून अच्छा लगता था, आप जैसे अंडरग्रेड आप लेती हैं तो आपकी मर्जी के भी मजामीन मर्जी के बिल्कुल लेते हैं कि आप ले सकते हैं, तो मैं हमेशा अंग्रेजी को पिक करती थी। अच्छा। तो मेरी अंग्रेजी की टीचर ने कहा कि तुम अपनी ज़बान में लिख सकती हो, मैंने कहा मैं तो भूल रही हूँ थोड़े थोड़े लफ्ज़ ज़हन से महव हो रहे हैं, आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुझे तो बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। फिर उसके बाद मैं बहुत हैरान हूँ इस नाम पे, बिकॉज ये नाम मैंने कभी जो है वो हमें जहन में नहीं, अस्सलाम वालेकुम अमरीका, हाँ वाह जी वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो वो मेरा पहला सलाम था अमेरिका को कि भाई हम पाकिस्तानी आ गए हैं, क्या बात है। और मेरे शौहर वसीमुर रहमान खान की तरफ के नाम, क्या बात है। अच्छा, हमारे घर का भी नाम हो वकारुर रहमान खान, हमारे जो मरूम भाई हैं हमारे नाम, हमारे अच्छा। घर का भी नाम कुछ ऐसे ही है। तो अच्छा ये बताइए कि जिस तरह आप ये कर रही हैं, इसका आपने आगाज किया, आपने बताया कि रियलाइजेशन कैसे हुई, जब ये बुक निकाली तो कैसा रिस्पांस था, क्या फेयर्स थे और रिस्पांस कैसा था? बहुत घबराहट भी थी क्योंकि आप देखिए ना एक पूरा एक पॉपुलेशन है वो समझते हैं भाई अमेरिका जरा सही नहीं, और एक है वो समझती हैं कि भाई बहुत सी चीज़ें हमें रियलाइज करनी चाहिए कि इनका हमसे ताल्लुक है, इतने लोग अब अमेरिका में जाके माइग्रेट हुए रह रहे हैं तो वो जो लोगों के जो ख्यालात थे, लोगों की जो कहना चाहिए कि जब आप मर्ज हो रहे होते हैं ना किसी नई जगह पे तो उसको मैंने मजाही अंदाज में लिखा है। अच्छा, तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। कोई ऐसा इक्तबास हमें सुनाना चाहेंगी अपनी किताब के अंदर से जो हम इस वक्त जरा
अगर मजा है तो हम क्यों नहीं, सुबह का टाइम है तो हमें होना चाहिए, कुछ याद हो जो आप हमें बता सके। हाँ, मजा के इसमें बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था काफ से कराची, काफ से कैलिफोर्निया। अच्छा, तो उसके अंदर एक राज था कि बहुत से लोग बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि कराची और कैलिफोर्निया में कोई भी फर्क ना हो। मतलब अपना नाम बदल रहे हैं, इकबाल से आइक बन रहे हैं, परवीन से पामेला बन रहे हैं। लिखा है मैं अब मुझे मुझे कभी कभी वो भी फील भी होता है, क्योंकि उस वक्त जाहिर इतनी यंग थे, बहुत पुरानी बात है जब किताब लिखी थी, असल में छपी भी देर से 2006 में, उससे पहले की लिखी हुई थी चीज़, बिल्कुल। तो उसमें मुझे अब तक याद है कि लोग कहते थे तुमने तो सच लिख दिया। यानी कि आपको पजीराई मिली इसमें, बहुत पजीराई मिली। I'm very गई किताब, क्योंकि मेरे पास है नहीं, खत्म हो गई पुरानी। ये आपने मुझे नाम लिख के, हमारे यहाँ का तरीका है कि आप नाम लिख के दीजिएगा, नाम लिख के दीजिएगा। अच्छा, एक तो ये है कि नताशा प्रिपेयर्स फॉर रमादान, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है भाई, ये क्या है? ये ख्वाब है एक्चुअली, ये तो मुझे बहुत ही, मुझे लगता है मैं इसको पढ़ना शुरू कर दूंगी आपसे बात करते करते, सीरियसली प्लीज। इसमें सब कुछ है, इसमें हमारा पूरा हमारा जमाना है, इसमें रूह अफजा है, इसमें समोसे हैं, इसमें सब कुछ है, इसमें हम हैं। Today is a special day. The first day of Ramadan is tomorrow, and Natasha is preparing with her family. यानी कि चांद रात से आवाज होता है इस किताब। Wow. तो आजकल ये बहुत हुआ है कि आपने एक टर्म सुनी होगी कि मेल्टिंग पॉट, एक जमाने में बहुत था ये मेल्टिंग पॉट का जो टर्म यूज होती थी कि आते जाओ और मर्ज होते जाओ, एक बस मेल्टिंग पॉट में इसमें जम हो जाओ, तुम्हारा अपना कोई कल्चर नहीं है अमेरिका में रह के। राइट तो आजकल जो स्कूलों में चेंज आया है, आजकल इस बात पे तवज्जो दी जा रही है कि इंक्लूसिव क्लासरूम बनाए जाए, अपने कल्चर और रूट से कनेक्टेड रहे, करिकुलम हो। तो मेरे साथ ये कहना चाहिए एक बहुत खुशकिस्मती कह लें कि क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, मेरी तरबियत हुई है, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये किताब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरे पाकिस्तानी बच्चे हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी भी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो तसीम जी, इस वक्त बहुत सारे लोग आपको देखे जिनकी फैमिलीज, अभी हमें प्रोग्राम से पहले ये बात करते हैं कि हम लोग उन लोगों में से जिनके आधे से आधा खानदान या तो इंग्लिस्तान में होगा या अमरीका में होगा। तो तस्नीम जी, जिस तरह से आपने ये किताब, आपकी कब शाया हुई? ये भी पिछले साल ही शाया हुई है, पिछले साल हुई है। रिस्पांस बहुत अच्छा, ये 50 से ज़्यादा मतलब पूरे दुनिया में इस वक्त दस्तयाब है, हर जगह दस्तयाब है, पूरे यूरोप में, चाइना में, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, हर जाके लोग ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन पर है, अमेजोन पे है, और बार्नेस एंड नोबल, टारगेट, जो अमेरिका के जो मेजर जो स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट, उसके अलावा वर्ल्ड में, मतलब लाइक ऑन फिजिकली अवेलेबल है, अवेलेबल है, और फिर उसके अलावा पूरे दुनिया में अवेलेबल है। कितने साल से कितने साल तक के बच्चे? ये है 4 से 9 साल के बच्चों के लिए लिखा है। अमेजिंग वर्क, आई एम सो प्राउड, सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, और हम अभी निलूफर अवस्थी साहिबा का भी जिक्र कर रहे थे कि हम उनको याद कर रहे थे कि जाहिर है वो हमारी माय होम अवे फ्रॉम होम, सच में, तो शी इज लव, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके तस्नीम जी। आगे किताब कौन सी आ रही है, जल्दी जल्दी बताते जाए लोगों को, जल्दी जल्दी बताती जाऊँ। बहुत सारी, ये पूरा एक ख्वाब है जिसे आगे जाना है, हमारे बच्चों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि हम क्या खाते हैं, किस तरह रहते हैं, और हम कोई बहुत मुख्तलिफ लोग नहीं है, हम इंसान हैं सबकी तरह। तस्नीम जी के तवस्से से मैं तमाम उन पाकिस्तानियों को जो अमेरिका में मुकीम है, जिन्होंने जब मैं गई मेरे लिए उन्होंने कभी कोई अशाया रखा, कभी कोई इवनिंग रखी, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग उर्दू जबान को वहाँ पर जिंदा रखे हुए हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन द शो, आपने वक्त निकाला और आप आई और इतनी खूबसूरत बातें करके जा रही हैं, अल्लाह करे आपका ट्रिप बहुत अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया, स्पेशली इस जमाने में जबकि सब लोग थोड़ा सा इंटरटेन हो रहा, उस वक्त आपने किताबें लिखने वाली मुझे बुलाया, तो मुझे नहीं जी, मैं ऐसे लोगों की औलादों में से हूँ जहाँ पर ये लिखी और पढ़ी जरूर दोनों जाती हैं, इसके लिए स्पेशल अल्लाह का बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हज़रात, सबसे पहले पाकिस्तान में सिर्फ इतना ही, लेकिन मेरे ख्याल है ये आज का सिर्फ भी काफी ज्यादा था, कहीं बारिशों का जिक्र था तो कहीं पेट्रोल की कीमतें, लेकिन इख्तिताम अच्छा हुआ कि आइए उर्दू जबान को आगे लेकर चलते हैं। अगर नाराजगी भी करनी है तो चलिए उर्दू में ही करते हैं। इसमें इंशाल्लाह होगी कल आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।